हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 को देखने वाले हैं, सीमा और अवकलज। चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, जहां पर आप पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 में आने वाली विविध प्रश्नावली की। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी विविध प्रश्नावली को, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं विविध प्रश्नावली की। अभी विविध उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 19 कह रहा है आपको कि प्रथम सिद्धांत से एफ का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां एफ इस प्रकार प्रदत्त है। पहला क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर 2x + 3/x - 2। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत से करना है, आपको पता है कैसे करोगे, कोई दिक्कत है नहीं भाई, कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, तो कितनी वैल्यू रख रहे हो भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आएगा भाई, ये आएगा 2x + h + 3 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस का 2 माइनस एफ एक्स की जगह रख रहे हो 2x + 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और अपॉन में है h। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, लिमिट h टेंस टू जीरो, अच्छा h को बाहर निकाल लो, ये 1/h कर लो। ठीक है, और यहाँ पर ये आप क्या करो, 2 का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2x + 2h + 3 अपॉन में x प्लस एच माइनस का 2 और माइनस का ये है 2x + 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, यहाँ आप लोगे लासा है ना, तो एलसीएम ये आएगा x प्लस एच माइनस का 2 और x माइनस का 2, x माइनस 2 का गुणा करोगे यहाँ पर, तो ये 2x + 2h + 3 और गुणा करना है आपको x माइनस 2 का। ठीक है, और माइनस यहाँ पर ले रहे हो आप भाई एक्स प्लस एच माइनस 2 और ये गुणा होगा 2x + 3 के साथ। ठीक है भाई, इतनी कहानी तो हो गई, और ये है 1/h लिमिट h टेंस टू 0, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। अब गुणा करा दे रहे हैं अंदर, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h और 2x से गुणा कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2x² माइनस का 4x, फिर ये हो रहा है 2xh और माइनस का 4h, 3 का गुणा कराओ तो प्लस का 3x माइनस का 6। माइनस के साथ गुणा करते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा तो ध्यान देना इस बात को, तो -2x² माइनस का 3x और माइनस का 2xh और -3h प्लस का 4x और प्लस का 6, इतना मिला अपन को, अपॉन में कितना है h। अब ये क्या क्या कट रहा है, देखो भाई प्लस h ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2xh माइनस का 2xh प्लस का ये कैंसिल हो गया, -2x² से +2x² ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी वैल्यू कितनी बची, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h, यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस का 4x है माइनस का 3x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। ठीक है, इसके बाद माइनस का 4h माइनस का 3, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है क्या, कि ये माइनस का 3x और प्लस का 3x कट रहा है, पहले इसको काट लो, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 3x, ये कैंसिल हो रहा है, ये कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4x और माइनस का 4x ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ तो बचा ही नहीं है, अब सब कट गए, माइनस का 4h और माइनस का 3h है, तो बच जाएगा माइनस का 7h, माइनस का 7h, और यहाँ पर बटे में आप ये पूरी चीज़ लिखोगे कि भाई एक्स प्लस एच माइनस का 2 और एक्स माइनस 2 ये लिख रहे हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको बच गया माइनस का 7h अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस का 2 और एक्स माइनस, इतना बच गई बात। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, h से ऊपर नीचे ऐसे h काट दोगे, तो अभी यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 7x + h - 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो वैल्यू पुट करोगे, h का मान 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x + 0 - 2 और यहाँ पर कर रहे हो x - 2, तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू ले रहे हो, माइनस का 7x - 2 और x - 2 ये वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि -7x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अगर x का मान 2 रख दोगे
तो नीचे हर में जीरो बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि एक्स बराबर दो पर फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहां पर आपने हर में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर देख रहे हो, अगर एक्स का मान आपने दो रखा, जैसे ही एक्स का मान दो रखोगे तो हर जीरो बन जाएगा, और हर में हर कभी जीरो बनना नहीं चाहिए, ये मैंने आपसे कहा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसी चीज का अपन सेकंड मेथड देखते हैं। अगर अपन ने सेकंड मेथड देखा, देखो अगर ये सवाल कह रहा था आपको प्रथम सिद्धांत के द्वारा फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन करने के लिए कह रहा था, लेकिन अगर नहीं कहता, मैं कहता हूं डायरेक्ट लगाओ आप सूत्र की मदद से, लेकिन एक एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम सिद्धांत से करो तो फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिया है तो फिर आप प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हो, सूत्र की मदद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या दिया था अपन को, सवाल दिया था अपन को एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, अंश हर वाला आपको सूत्र याद रखना है। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो पुराने वीडियो में देख के अपने सूत्र तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो क्या होता है अंश हर वाला सूत्र, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। तो याद रखना है हर को बाहर रखना है अपन को और अंश का अवकलन कर देना है, ठीक है ना, फिर माइनस अंश को बाहर रखना है और हर का अवकलन कर देना है, बटे हर का अपन को बर करना, ये होता है सूत्र, ठीक है ना। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर हर रख रहे हैं एक्स माइनस टू, और ये डी अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री और डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस टू, है ना, बट एक्स माइनस टू का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए यहां से क्या मिल जाएगा अपन को एक्स माइनस टू। अच्छा टू एक्स का करेंगे अवकलन, टू एक्स का अवकलन करने पर टू मिलेगा, तीन का अवकलन करने पर जीरो मिलेगा, माइनस का टू एक्स प्लस थ्री और एक्स का अवकलन करेंगे तो एक मिलेगा, माइनस दो का अवकलन करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, बटे एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अंदर गुणा करो तो भाई दो का गुणा होगा तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का फोर, माइनस के साथ गुणा करेंगे, देखो एक एक माइनस जीरो का तो कोई मतलब बनता नहीं, जो एक का गुणा करने पर वही चीज बनी रहेगी, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का टू एक्स और माइनस का थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो रहे थे, तो यहां से आपको फाइनल तौर पे माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये आंसर मिल जाना। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रथम सिद्धांत से कह रहा है सवाल कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, तो फिर आपकी कंडीशन बन गई कि आपको प्रथम सिद्धांत से ही करना होगा, वरना आपका आंसर ये इस तरीके से भी आप दिखा सकते थे। उदाहरण नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर दो आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए कह रहा था, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिल जाएगा अपन को एफ डैश एक्स बराबर, यहां से मिला लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह कितना मिलेगा एक्स प्लस एच और प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच, ये निकल के आएगा, ठीक है, और माइनस में एफ एक्स की जगह रख रहे हो आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और अपॉन में एच है, ठीक है भाई। तो यहां से आप कर रहे हो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच को इसको वन अपॉन एच रख लो और माइनस के अंदर अपन गुणा कराते हैं, तो ये एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स। तो यहां आप देख पा रहे हो भाई ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो काट दो, ठीक है, इसको हटा दिया, यहां से बचा अपन का लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, क्या निकल के आया एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस का वन अपॉन एक्स, कुछ इतनी वैल्यू अपन की निकल के आई, ठीक है। तो यहां अपन कर सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, लासा लेंगे किसका, लासा आएगा एक्स और एक्स प्लस एच का, तो एच के साथ तो ये पूरा पूरा का गुणा होगा, है ना, एच एक्स और एक्स प्लस एच आएगा क्योंकि यहां पर बटे में एक था, है ना, और प्लस एक्स प्लस एच है तो क्या आएगा एक्स आएगा, और माइनस एक्स है तो एक्स प्लस एच आएगा, एक्स प्लस एच आएगा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल के आएगी, ये हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस एच, ठीक है, अपॉन एक्स और एक्स प्लस एच, ये मिल जाएगा। क्या क्या कट रहा है यहां से आपका, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल कर दो, तो आपको दिख रहा है ऊपर से भाई एच कॉमन निकल आएगा, तो एच को कॉमन निकाल लो,
एच कॉमन निकालोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा एक्स एच, और यहाँ पर बचेगा माइनस का एक बटे, ये हो रहा एक्स और एक्स प्लस एच, इतनी वैल्यू बच रही है। ठीक है, ऊपर नीचे एच है तो आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे से एच काट दोगे। अब यहाँ पर एच टेंस टू जीरो था, एच की वैल्यू जीरो रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणे जीरो माइनस एक बटे एक्स और एक्स प्लस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर कह सकते हो, एक आंसर तो आपका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और चाहो तो आप एक काम ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का भाग दे दोगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि जैसे ही अगर आपने एक्स का मान जीरो रखने की कोशिश की, ये तो आंसर हो गया पहली बात, तो यदि आपने एक्स का मान जीरो रखा तो हर में देख रहे हो कि जीरो हो रहा है ना, नीचे एक्स है तो उस स्थिति में x बराबर जीरो पर फलन परिभाषित नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो x बराबर जीरो पर फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वही बात है कि अगर प्रथम सिद्धांत से कहा है तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप प्रथम सिद्धांत से लगाओगे। ठीक है, लेकिन मैं सेकंड मेथड बता देता हूं आपको किस प्रकार से, कि एफ एक्स बराबर दिया आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, और यहां पर अपन करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन और सूत्र लगाते हैं, तो कितना डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, है ना। और अलग अलग कर लो, डी अपॉन डी एक्स ये है एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ये वन अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा आपको पता है x का अवकलन कितना होगा, x का अवकलन तो भाई आपको पता है एक होता है, x का अवकलन एक होता है, प्लस यहां पर अपन कर सकते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस एक, और सूत्र क्या होता है घात के लिए कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस वन, घात आगे आ जाती है, घात में एक की कमी कर देती हो तो वन, और प्लस माइनस एक आगे आएगा और x की पावर कर दोगे माइनस एक माइनस एक, तो यहां से क्या बन जाएगा वन प्लस माइनस माइनस, और ये निकल के आ जाएगा x की पावर माइनस टू, इसको आप कह सकते हो वन माइनस x की पावर माइनस टू को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाओगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर। उदाहरण नंबर आपको 20 दिया है कि प्रथम सिद्धांत से फलन एफ एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स बराबर पहला क्वेश्चन दिया है भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्रथम सिद्धांत से कह रहा है लगा देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपन को, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, एफ एक्स प्लस एच कर रहे हैं तो यहाँ कितना साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स की जगह रख सकते हैं अपन साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस का मैं अंदर गुणा करा देता हूँ। ठीक है, एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एफ एक्स की जगह आप रखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और चूंकि माइनस देख रहे हो तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में एच रहेगा, और यहां पर आप ओपन कर दोगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाला सूत्र, और त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं है तो YouTube सर्च में जाओ और वहां पर टाइप करो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस। ठीक है, किसी भी टॉपिक के आगे एक्सपी क्लासेस लिख के सर्च करोगे वो टॉपिक आपको मिलेगा। यहाँ पर अपन ओपन करते हैं साइन ए प्लस बी, तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी यानी साइन एक्स कॉस एच, और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का सूत्र खोल दोगे तो कॉस एक्स कॉस एच माइनस का साइन एक्स साइन एच, और यहां पर है माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में एच, इतनी वैल्यू है। ठीक है, करना क्या है समझो, देखो साइन एच ये वाला और यहां से साइन एच कॉमन निकालो। ठीक है, साइन एच कॉमन निकालते हैं। ठीक है, पहले तो जितना है उतना देखते हैं, साइन एच कॉमन निकालते हैं अपन, तो साइन एच कॉमन निकालोगे तो यहां से बचा कॉस एक्स, ये बचा कॉस एक्स, और यहां से बचेगा माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स ये भी ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कॉमन निकालो साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कॉस एच से, ये वाला साइन एक्स निकाल लोगे, और यहां से कॉस एक्स कॉस एच से कॉस एक्स कॉमन निकालोगे। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स निकालोगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा कॉस एच,
कॉस एच, और आपने यहां से साइन एक्स निकाला तो बच जाएगा चूंकि माइनस का एक, ठीक है, और यहां से कॉस एक्स कॉमन निकालोगे तो प्लस कॉस एक्स, और कॉमन बचेगा यहां पर कॉस एच, कॉस एच, और यहां पर कितना कॉमन बचेगा माइनस का एक, ठीक है, अपॉन में एच है। तो अभी यहां पर क्या करो, एच का तो सब में भाग दे दो, ठीक है, और आप देख रहे हो ये तीन पार्ट बन रहा है, तो तीन पार्ट बन रहे हैं और तीनों पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये तीन पार्ट बन गए तो तीनों पार्टों को अलग अलग कर लो, तो ये कितना निकल जाएगा, इसको कर सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां कर सकते हो साइन एच अपॉन एच, और ये है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हो माइनस का लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पर कर दो आप साइन एक्स और कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, इतना कर दिया, ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या बनेगा, माइनस का लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स और कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, ये बनेगा। अच्छा अभी आपको सूत्र याद होने चाहिए भाई, साइन एच अपॉन एच क्या होता है, एक होता है, और यहाँ पर कॉस एच माइनस वन अपॉन एच और कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना आपको कि भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच इसका मान एक होता है, और लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच माइनस वन अपॉन एच इसका मान जीरो होता है, तो जीरो होता है, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो टोटल जीरो हो जाएगी, ठीक है, और यहां पर आप इस जगह पर एक रख दोगे तो वैल्यू पुट कर दो, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, एक गुणे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और यहां निकल के आएगा साइन एक्स गुणे जीरो माइनस कॉस एक्स गुणे जीरो, तो फाइनल में वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आंसर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, अगर आप डायरेक्ट सूत्र लगाते तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको सूत्र याद हो, ठीक है, तो अच्छी तरीके से सूत्र याद रखिएगा, एफ एक्स दिया था इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और एक्चुअली मैं प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सूत्र क्या होता है भाई, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये होता है, इसको लगाओगे तो जैसे ही, तो यहां पर क्या कितना कर रहे हो, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यहां कर रहे हो भाई आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अच्छा अलग अलग कर लो तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ये हो गया, और प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स ये हो गया। अभी आपको फॉर्मूले से पता है क्या आएगी वैल्यू, ये हो जाएगी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो ये आंसर हो। उदाहरण नंबर 20 का दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, प्रथम सिद्धांत से अपन अवकलन करते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा अपन को, अगर मैं बात करूं तो यहां से आप कह रहे हो भाई एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की जगह वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच और साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स रख की जगह एक्स साइन एक्स अपॉन एच, है ना। अच्छा साइन एक्स प्लस एच का फॉर्मूला खोल दोगे, साइन एक्स प्लस एच का फॉर्मूला खोल रहे हो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच, यहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी, साइन एक्स कॉस एच और प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है, अंदर गुणा करते हैं, अगर अंदर गुणा करते हैं तो कितना निकल के आएगा देखते हैं भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा एक्स का गुणा करो तो एक्स साइन एक्स कॉस एच प्लस एक्स कॉस एच और कॉस एक्स साइन एच, ठीक है। अच्छा एच के लिए क्या करो, एच के लिए पूरा रख के रहो, ठीक है, एच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो एच को पूरा लिख के लो, तो एच और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच और माइनस में एक्स साइन एक्स था अपॉन में एच है, ठीक है। एक चीज कर सकते हैं एक्स साइन एक्स कॉस एच और माइनस एक्स साइन एक्स, यहां से हम एक्स साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए एक्स साइन एक्स कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बचना है यहां पर कॉस एच और इस तरफ से बचना है माइनस का एक, ठीक है, यहां से आपका माइनस का एक बच जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स साइन एच और ये वाला एच वाला पार्ट है प्लस एच साइन एक्स
कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच, है ना। अच्छी बात है। अभी क्या करो कि वही करते हैं, तीन पार्ट बन गए, देखो एक दो तीन पार्ट, ठीक है तीन पार्ट बन गए। एच का सब में भाग दे दो और लिमिट को अलग अलग कर लो, तो क्या निकल के आएगा यहां से, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स साइन एक्स और कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है भाई, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स, यहां पर कर सकते हो साइन एच अपॉन एच। जो फॉर्मूला बनता है उसको आपको दिखना पड़ेगा कि यार ये फॉर्मूला इस हिसाब से बन रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आप उस चीज को अरेंज करते जाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच, ठीक है। एक चीज ध्यान रखा करो, सवाल को लगाने का एक अप्रोच होता है, एक एंगल होता है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये नहीं होता है। हर एक सवाल को आप इसी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से लग सकता, दूसरे तरीके से भी लग सकता था, लेकिन अप्रोच होती है, एक तरीके का एक आइडिया होता है कि इस एंगल से, इस रास्ते से जाओगे तो अपने मंजिल को पा जाओगे, ये वाली बात रहती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करो। अभी आपको पता है कि वैल्यू क्या क्या रहेगी, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, cos h माइनस वन अपॉन h, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां पर वैल्यू हो जाएगी एक, है ना। और आप देख पा रहे हो यहां पर h से ये h ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर ऊपर नीचे अपन कैंसिल कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने पर अपन को क्या मिलना है, देखो भाई यहां से मिलना है x sin x, ठीक है, प्लस यहां पर अपन को मिल जाएगा x cos x, ये भी ठीक है। और एक मिनट, यहां पर एक चीज ध्यान दो कि इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, है ना। x sin x और cos h माइनस वन अपॉन cos h माइनस वन अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी होनी, जीरो, तो गुणा जीरो कर रहे हो, प्लस यहां पर x cos x बचेगा, x cos x और इसकी sin h अपॉन h की वैल्यू हो जाएगी एक, तो गुणे एक, प्लस h से h कट गया और वैल्यू रख दो h का मान जीरो, तो यहां पर कर रहे हो sin x cos जीरो प्लस cos x sin जीरो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया जीरो, खत्म करो। और यहां पर आपको बचा एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस जीरो का मान एक होता है, तो प्लस साइन एक्स इंटू वन, और यहां पर साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो प्लस कॉस एक्स गुणे जीरो। तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा प्रथम सिद्धांत द्वारा। अब अगर मैं वही बात करता हूं, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता इसमें कि आप डायरेक्ट सूत्र इस्तेमाल करते तब जब क्वेश्चन में प्रथम सिद्धांत ना दिया होता, तो एफ एक्स बराबर कितना दिया था आपको, एफ एक्स बराबर ये दिया था आपको कितना, एफ एक्स बराबर दिया था आपको एक्स साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स दिया था, ठीक है। यहां पर अप्लाई क्या करोगे, देखो गुणा हो रहा है दो चीजों में, जब दो चीजों में गुणा हो रहा है तो आपको याद रखना है कि कैसे करना है, पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे वाले को बाहर और पहले वाले का अवकलन, तो क्या कर रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। मैं सूत्र की मदद से इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि 12 में सिर्फ सूत्र है, प्रथम सिद्धांत है ही नहीं 12 में, ठीक है। तो आपको फोकस करना अपना बोर्ड, तो प्रथम सिद्धांत के साथ साथ आपको सूत्र भी अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। तो d अपॉन dx x sin x, अच्छा फर्स्ट सेकंड वाला मैंने आपको बताया कैसे करोगे, पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, ठीक है, और फिर दूसरे वाले को बाहर रखो, पहले वाले का अवकलन कर दो, है ना। अच्छा sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन हो जाता है cos x, तो x गुणे cos x प्लस, और यहां पर आप देख रहे हो x का अवकलन होता है एक, तो प्लस में sin x गुणे वन, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा x cos x प्लस sin x आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था, ये आपने आंसर निकाल के देख। उदाहरण नंबर 21 का पहला क्वेश्चन दिया है, fx बराबर sin 2x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अभी सूत्र की बात कर लेता हूं मैं कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दो भैया, यहां पर सूत्र होता है साइन एक्स के लिए, किसके लिए होता है, सूत्र होता है साइन एक्स के लिए, यहां पर दिया है आपको 2x, क्या दिया है 2x दिया है,
उस स्थिति में हमेशा याद रखो ये चीज कहलाती है सीरीज प्रोसेस, श्रृंखला क्रिया, ठीक है। उस जब भी आपको सूत्र के अलावा कोई चीज एक्स्ट्रा हो, कोई भी चीज सूत्र के अलावा एक्स्ट्रा हो, तो उस एक्स्ट्रा चीज का फिर से अवकलन करते हैं, ठीक है। याद रहेगा जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसका हम फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है। सूत्र आपके लिए एक्स के लिए था लेकिन यहां पर दिया है 2x, तो 2x का फिर से अवकलन करोगे कैसे, समझो। पहली बात तो साइन का हो जाएगा आपका कॉस, कितना हो जाएगा कॉस 2x, और मैंने कहा आपको जो भी एक्स्ट्रा होगा उसका फिर से अवकलन कर दोगे, यानी 2x का फिर से अवकलन कर दोगे। अब 2x का अवकलन कैसे होगा भाई, 2 बाहर निकल आएगा और x का अवकलन करोगे, है ना, 2 बाहर निकल आएगा और x का अवकलन करोगे, तो d अपॉन dx, d x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कॉस 2x गुणे 2, यानी आप कह सकते हो भाई 2 कॉस 2x, ये आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं एक दूसरे तरीके में, जब आप साइन 2x को ओपन कर दो, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दो, तब आप क्या कर सकते थे, देखो भाई fx बराबर कितना था साइन 2x, आपको पता है साइन 2x के लिए क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब यहां पर फर्स्ट सेकंड वाला लगा सकते हैं, देखो d अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर, तो कितना d अपॉन dx, d अपॉन dx fx, और यहां आप कर रहे हो d अपॉन dx 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आपको पता है दो बाहर निकाल दोगे प्रॉपर तरीके से भाई, दो बाहर निकाल दो और साइन एक्स कॉस एक्स में, यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स में फर्स्ट सेकेंड लगा दोगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लगा दोगे तो पहले वाले को बाहर दूसरे का अवकलन, दूसरे वाले को बाहर पहले का अवकलन। सूत्र याद रखना है अपन को, पहले वाले को बाहर रख लो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, ठीक है, प्लस दूसरे वाले को बाहर रख दो, पहले वाले का अवकलन कर दो, ठीक है, ये बन गया अपना सूत्र। तो कितना कितना निकल के आएगा, ये 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, इतना होता है अपना, तो ये कितना निकल के आएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से आप कह सकते हो कि ये बन के आया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ऐसे आपकी किताब में इतना ही आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन आप इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या ले सकते हो, कॉस 2x भी ले सकते हो, तो 2 कॉस 2x ये आंसर, ये भी आंसर। उदाहरण नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है आपको कि जी एक्स बराबर कॉटेक्स है और जी एक्स बराबर कॉटेक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पहली बात तो ये आपका डायरेक्ट सूत्र है, 13.2 का जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको प्रथम सिद्धांत से सभी के वैल्यू निकालना कैसे करते हैं ये आपको मैंने बता रखा है प्रथम सिद्धांत से। अब यहां पर एक गलती ये मत कीजिएगा कि आप कॉटेक्स का जो सूत्र होता है डायरेक्ट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वो मत रख देना, मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ सूत्र रख दिया, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन 1 नंबर में है तो आप डायरेक्ट सूत्र रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लगाओ। क्या तरीका है लगाने का, एक तो आप प्रथम सिद्धांत से लगा सकते हो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, प्रथम सिद्धांत से कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो भाई, आपको पता है कि कॉटेक्स के लिए क्या होता है, कॉटेक्स का को लिख सकते हो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये लिख सकते हो कि नहीं, आप यहां पर आंसर वाला लगा दो, ठीक है ना, यहां पर आंसर वाला लगा दो तो चीजें आपकी थोड़ी सी एक्सपेंड, मतलब आप ये कह रहे हो कि उस सवाल को आपने हल किया। अगर आप यहां पर डायरेक्ट ये लिख देते कि डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो ये भाई ये तो डायरेक्ट सूत्र हो गया, आप उस सवाल को हल ही नहीं कर पा रहे हो। तो तरीका क्या है, या तो आप प्रथम सिद्धांत से हल करो या फिर कॉट एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी यहां पर गलती कर दी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेके हल करो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेके हल करो, तो यहां पर आंसर वाला कर दो तो चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो कैसे करते हो, हर को बाहर रखोगे, हर को बाहर रखोगे, अंश का अवकलन करोगे कॉस एक्स और माइनस अंश को बाहर रखोगे हर का अवकलन कर दोगे, ठीक है ना, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर का वर्क कर देते हो, तो यहां पर क्या वैल्यू मिलती है, ये होता है साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाता है आपका माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन
ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन निकाल दो, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या बन रहा है ये तो आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो माइनस का एक बटे यहां पर आप कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन को अगर हम ऊपर ले जाए पलट दे तो क्या बन जाता है, कॉसिक बन जाता है। तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स ये आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं कि जी एक्स बराबर कॉट एक्स है, इसको आप और दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, देखो भाई प्रथम सिद्धांत का एक तरीका हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके, एक तरीका ये हो गया। दूसरा कॉट एक्स को वन अपॉन टेन एक्स करके भी हल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि भाई जी एक्स बराबर इसको ले लो वन अपॉन टेन एक्स, वन अपॉन टेन एक्स, अब इसको हल कर दो। तो करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा जी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन टेन एक्स। ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब अप्रोच है, तरीके हैं, एंगल है कि आपको किस दिशा में जाना है, अपना अपना आप देख सकते हो कि कौन सा आपको सही बैठता है, कौन सा सही लगता है आपको। तो यहां पर अपन कर रहे हैं जी डैश एक्स, अंश हर वाला यहां पर भी लगा देंगे, हर को बाहर रखते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं, ठीक है, माइनस अंश को बाहर रखेंगे, हर को हर का अवकलन कर देंगे और अपॉन में हर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, हर का वर्ग कर देंगे। तो आपको पता है भाई अगर अचर पद का अवकलन करते हैं तो जीरो मिलेगा, तो ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जीरो हो गया, माइनस एक को हटा दो, एक का गुणा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो एक को लिखे रहो, गुणे टेन एक्स का कितना होता है आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये होता है टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आप कह रहे हो भाई ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस ले रहा हूं। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो कि माइनस का वन अपॉन सेक को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हो। ठीक है, और आपको पता है वैल्यू कितना होगी, पलट जाएगा वन माइनस का वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला जो सिस्टम होगा ये साइन साइन और कॉस वाला, इसको पलट दोगे तो क्या कहोगे कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होगा, तो बच जाएगा माइनस का वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साइन ऊपर जाएगा तो आपको पता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स आंसर आ जाएगा। अभी चलिए बात करते हैं विविध प्रश्नावली की। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए, आपको पहला दिया है माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत लगा देंगे, आपको पता है क्या होगा भाई, एफ एक्स बराबर लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसमें रख दो। तो यहां से आप क्या कह रहे हो भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स हो जाएगा ये, और माइनस एक्स और अपॉन में एच आएगा। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एक्स माइनस का एच माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एच। तो आप यहां से प्लस एक्स माइनस एक्स को काट दोगे तो यहां से ये बच जाएगा माइनस का एच ऊपर, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का एक, और माइनस का एक है, एच का मान एच है नहीं है तो जीरो रखने का कोई फायदा नहीं, तो आंसर आएगा माइनस का एक आंसर हो जाएगा। अभी एफ एक्स बराबर माइनस एक्स था, इसको अगर मैं सेकंड मेथड सूत्र से लगाता हूं तो सूत्र से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सूत्र से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स ले रहे हो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस बाहर निकाल लो और डी अपॉन डी एक्स एक्स, और एक्स का करते हो तो आपको पता है क्या होता है, एफ डैश एक्स यहाँ से कितना निकल आएगा, माइनस का एक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगाना चाहो लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन में प्रथम सिद्धांत दिया है तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप प्रथम सिद्धांत से सवाल को हल करेंगे। क्लियर है बात। क्वेश्चन में पहले का आपको दूसरा दिया है इस प्रकार से, माइनस एक्स की पावर माइनस एक, आपको पता है
कि अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है, निगेटिव पावर होती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम बटे में ले जा सकते हैं। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि वन अपॉन माइनस एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अपन प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर रहे थे, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन के लिए कितना, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहां से कितना मिलना पाई अपन को, ये हो रहा माइनस वन एक्स प्लस एच और माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है इतना रहेगा अपॉन एच, यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो अभी यहां से वैल्यू मिलनी है अपन को, लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एच, लासा ले लो भैया। तो यहां पर आप कर सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच साइड में निकाल लो, तो लासा आएगा कितने का, एक्स प्लस एच और एक्स का, तो ये आ जाएगा एक्स के साथ माइनस में और प्लस एक्स प्लस एच आएगा ये। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच माइनस एक्स प्लस एच अपॉन एक्स एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहां से प्लस माइनस हटा दो, प्लस माइनस ये आपने हटा दिया, तो और यहां से कितना बच जाएगा अभी ये वैल्यू, अभी ये बच रही है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच और यहां आप कह सकते हो एच अपॉन एक्स एक्स प्लस एच, ये वैल्यू बची। ठीक है, ऊपर नीचे आप एच देख रहे हो, एच से एच कट जाएगा ऊपर नीचे, तो अभी क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस एच बच गया। अब यहाँ पर एच की वैल्यू रख दोगे आप, तो वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस जीरो, तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो आप यहाँ से आंसर कह रहे हो भैया वन अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसी की बात अगर मैं बात कर लूँ, ये तो हो गया आपका प्रथम सिद्धांत से कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12 में आपको पता है कि प्रथम सिद्धांत से आपको पूछा जाना नहीं है, तो डायरेक्ट सूत्र लगाने की हम कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स कितना दिया था, माइनस एक्स की पावर माइनस एक दिया था। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक, डी अपॉन डी एक्स और माइनस एक्स की पावर माइनस एक। सूत्र क्या होता है वो आपको याद रखना है कि भाई डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन हो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन हो, एन आगे जाएगा और घात में एक की कमी कर दे, तो ये होता है आपका सूत्र। अच्छा, यहां पर ये याद रखा करो, जैसे यहां पर अपन हल कर रहे हैं किसके लिए, एक्स के लिए, लेकिन यहां पर कितना दिया है, माइनस एक्स। जब भी हमेशा याद रखना, जब भी कोई अलग चीज दी हो उसका अपन फिर से कर देंगे, इसको कहते हैं अपन श्रृंखला नियम। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन कहते हैं, सीरीज के द्वारा हल करते हैं, क्योंकि यहां आप देख रहे हो x है लेकिन यहां तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स अलग हो गया, तो माइनस एक्स का अपन फिर से कर देंगे। तो कैसे करेंगे समझो भाई, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, पहली बात तो ये समझो कि करेंगे कैसे, कि घात आगे आ जाएगी और घात में एक की कमी कर दोगे। ठीक है, घात आगे आ जाएगी, माइनस एक आगे आएगा, ठीक है माइनस एक आगे आएगा और x में माइनस एक और माइनस एक की कमी कर दोगे, पहली बात तो ये। अब चूंकि यहां आप देख रहे हो तो कि यहां पर माइनस एक्स दिया, तो फिर से माइनस एक्स का फिर से कर दोगे, डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, कभी भी अलग चीज होगी तो उस चीज का अपन फिर से कर देंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से कितना मिलना, माइनस का एक और एक्स की पावर माइनस का दो, और माइनस एक्स के लिए क्या क्या करेंगे, माइनस बाहर निकलेगा, माइनस एक बाहर निकाल लोगे, इनटू इनटू और डी अपॉन डी एक्स एक्स। अभी यहां पर क्या हो जाएगा भैया, अगर हम देखें तो यहां पर अपन को माइनस एक प्लस हो जाएगा, माइनस एक प्लस हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस दो को नीचे ले जाओ तो ये भी प्लस में हो जाएगी, और डी अपॉन डी एक्स एक्स का मान होता है एक। तो यहां से टोटल आपकी जो वैल्यू मिलनी है एफ डैश एक्स बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले का तीसरा आपको दिया है साइन एक्स प्लस वन, तो प्रथम सिद्धांत से लगाते हैं, सूत्र ये रहा। ठीक है, और लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा अपन को, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की जगह अपन क्या रखेंगे, साइन एक्स प्लस एच प्लस वन। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस यहां पर रख रहे हो साइन एक्स प्लस वन अपॉन एच। अच्छा, ऊपर अपन सूत्र बना रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होगा, टू
कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। और अभी तक आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उसके आगे एक्सपी क्लासेस लगाइए और सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको बेहतरीन तरीके से देखिए, पूरा वीडियो आपको बहुत सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच बाहर निकालो। अच्छा, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देंगे तो ये कितना टू कॉस और ये एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस और डी कितना एक्स प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इंटू साइन सी माइनस ये कर रहे हो साइन सी माइनस डी, तो यहाँ पर कितना कि x प्लस एच प्लस वन और माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का एक मिलेगा, ये बात क्लियर है मेरी। ठीक है, x प्लस वन रखोगे और चूंकि माइनस लगाओगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा और अपॉन में कितना आएगा टू, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कटेगा यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो प्लस एक्स से माइनस एक्स और ये माइनस एक से प्लस एक काट दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर कितना हो रहा है ये हो रहा है टू कॉस एक्स एक्स हो गया टू एक्स प्लस एच प्लस टू अपॉन टू इंटू यहाँ पर कर रहे हो साइन एच अपॉन टू और एच कहाँ था बटे में था तो एच को बटे में ले जाओ। इस टू को क्या करना है वैसे ही करोगे, इस टू को एच के नीचे ले आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो रहा है कॉस टू एक्स प्लस एच प्लस टू अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन टू और अपॉन में एच अपॉन टू कर रहे हो। ठीक है, और इस आपको पता है इसकी वैल्यू तो एक हो जाती है और एच अपन एच का मान जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस जीरो प्लस टू अपॉन टू इंटू वन। ओके, तो यहाँ से दो कॉमन निकाल रहे हो तो ये बचा x प्लस वन अपॉन टू, ऊपर नीचे आप यहाँ से दो से ही दो काट दोगे तो फाइनल जो आंसर आपका आएगा वो फाइनल आंसर मिल गया x प्लस वन, ये आंसर हो जाएगा। अब मैं इसी चीज को सूत्र की मदद से भी आपको बता देता हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, बहरहाल कोई दिक्कत है नहीं है, आपसे आसानी से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो मान लिया अपन ने माना वाई बराबर साइन एक्स प्लस वन, अब यहां पर कर रहे थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, y मान लो fx मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, y मान सकते हो fx मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अपन अवकलन कर देते हैं तो यहां से कितना dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन x प्लस। अच्छा, सूत्र आपको याद रखना है कि जब साइन का अवकलन करते हैं तो कॉस होता है, क्या होता है कॉस, तो ये निकल के आएगा कॉस एक्स प्लस वन। और सूत्र भाई सूत्र होता है किसके लिए पहले ध्यान रखो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, यानी यहां आप देख रहे हो कि यहां एक्स होता है लेकिन यहां पर तो एक्स प्लस वन दिया है, यहां पर एक्स प्लस वन दिया है, तो मैंने आपसे कहा जो भी चीज एक्स्ट्रा होती है उसका फिर से कर देते हैं, एक्स प्लस वन एक्स्ट्रा है ना कि नहीं, तो एक्स प्लस वन का फिर से कर दोगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन और यहां पर कॉस एक्स प्लस वन। तो यहां पर अगर आप एक्स का करोगे तो एक्स का तो एक आएगा और एक का करोगे तो जीरो आएगा, वन प्लस जीरो वन होता है तो फर्क पड़ना नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन, इतना आंसर आना है। क्वेश्चन पहले का चौथा दिया है कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट और इसको अपन ने प्रथम सिद्धांत से हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत से लगा देते हैं, यहाँ पर अपन को क्या मिलना है लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच के लिए यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस का पाई बाई एट और माइनस कॉस एक्स के लिए कर रहे हो कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट और अपॉन में कितना था एच। अब यहाँ पर सूत्र लगा रहे हो कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, तो भैया सूत्र तो आपको अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये सूत्र होता है, इस सूत्र का अपन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिलना है भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पर अपन कर रहे हैं माइनस का टू साइन सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच माइनस का पाई वाई एट प्लस एक्स माइनस का पाई वाई एट अपॉन टू। ठीक है, और इनटू में साइन सी माइनस डी कर रहे हैं तो एक्स प्लस एच माइनस का पाई वाई एट माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस पाई वाई एट हो जाएगा, प्लस पाई वाई एट अपॉन यहाँ पर अपॉन में टू हो जाएगा। ठीक है,
अपॉन में ये टू जाएगी, ठीक है, क्लियर है बात। और अपॉन में ये एच था, इतना सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर ऊपर देखेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा भाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव बाई टू, ये प्लस फाइव बाई टू, ये आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहां से अभी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, अगर साइड में ले लो तो अभी मत लो, वन अपॉन एच लेने की जरूरत पड़नी नहीं है, ठीक है, एच को नीचे ही ले रहा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है माइनस का टू साइन एक्स एक्स हो गया टू एक्स प्लस एच हो जाएगा, और माइनस फाइव बाई एट, माइनस फाइव बाई एट हो जाएगा माइनस का टू पाई बाई एट अपॉन टू, और इनटू में साइन यहां पर बचना है एच अपॉन टू, ठीक है, और अपॉन में कितना है एच। अभी आपको ये पता है कि इस टू को इस एच के नीचे ले जाना है ना, तो यहां से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां कर रहे हो माइनस का साइन, ये हो गया टू एक्स प्लस एच माइनस का टू पाई। अच्छा यहां से दो से आठ को काट लेते हैं, चार बच जाएगा, ठीक है, यहां से आपने काट लिया तो ये बच गया पाई बाई फोर अपॉन में टू है, और यहां अपन कर लेते हैं इन टू का साइन एच अपॉन टू अपॉन में एच अपॉन टू, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसकी तो वैल्यू एक हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी और बाकी जगह एच का मान जीरो रख दोगे, तो यहां से अपन को क्या मिलना है माइनस का साइन, और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो माइनस का पाई बाई फोर अपॉन टू और गुणे एक, दो का भाग कर दोगे हर एक में तो माइनस का साइन टू एक्स अपॉन टू, और यहां पर माइनस का ये हो जाएगा पाई बाई फोर गुणे दो जाएगा, ठीक है, दो कहां जाएगा चार के साथ गुणे में, तो माइनस का साइन यहां बचना है एक्स माइनस पाई बाई एट बचना है, ठीक है। अच्छा तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, चाहो तो एक काम कर सकते हो, माइनस अगर अपन कॉमन निकाल दें तो माइनस कॉमन के हिसाब से ले सकते हो, चाहे इतना ही आंसर दिखाना चाहो तो इतना आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से लगाता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले द्वारा, तो कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया था अपन को, अपन को सवाल दिया था, मान लिया अपन ने माना वाई बराबर कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट, ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिख दिया करो, ये लिखने से सही रहता है, ठीक है, मतलब आपको एक पता चलता रहता है ये टीचर को कि भाई कर क्या रहे, करना क्या चाहते हो आप, डीवाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट, है ना। अच्छा कॉस के लिए सूत्र क्या बनता है आपको ये याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, तो कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन कब होता है, जब यहां पर x होता है, ठीक है, जब x होता है, लेकिन ये तो x माइनस पाई बाई एट है, तो x माइनस पाई बाई एट का मतलब है एक्स्ट्रा चीज, और जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसका अपन फिर से अवकलन करेंगे। तो यहां से एक्चुअली में बनना क्या है, सवाल किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा कि cos का तो हो जाएगा माइनस का साइन और x माइनस पाई बाई एट, और d अपॉन डी एक्स x माइनस पाई बाई एट का फिर से कर दोगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस पाई बाई एट, और एक्स का अवकलन करोगे तो एक मिलेगा, माइनस पाई बाई एट का अवकलन करोगे तो जीरो मिलेगा, और वन माइनस जीरो वन होगा, और उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आंसर आना है माइनस का साइन एक्स माइनस पाई बाई एट, ये आंसर आना है। आगे है कि निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात कीजिए, यह समझा जाए कि ए बी सी डी पी क्यू आर आर एस शून्योत्तर निश्चित शून्योत्तर अचर है और m तथा n पूर्णांक है, कुछ इस प्रकार के आपको ये आपको निर्देश दे दिया है भाई, ठीक है। आगे अपन जो भी सवाल लगाने वाले हैं वो सूत्र की मदद से लगाएंगे, ठीक है। प्रथम सिद्धांत कह नहीं रहा है तो प्रथम सिद्धांत से लगाना चाहो तो प्रथम सिद्धांत से लगा दो, मैंने वो भी चीज समझा दी है, डायरेक्ट सूत्र से लगाएंगे अपन सवालों को। देखिए पहला दूसरा सवाल इस प्रकार से दिया है, एक्स प्लस ए, तो मान लिया अपन ने वाई बराबर, तो वाई बराबर कितना एक्स प्लस ए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डीवाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस ए। अब यहां पर हर एक को अलग अलग कर दो, डी अपॉन डी एक्स ये हो गया एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ये हो गया ए। आपको पता है एक्स का अवकलन करेंगे तो एक मिलेगा और अचर पद ए का, ए क्या है अचर पद, एक का करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक,
ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीन की, तो भी क्वेश्चन नंबर तीन इस प्रकार से दिया है, इसको आप दो तरीके से कर सकते थे, या तो अभी आप इनटू वाला सूत्र लगा दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला, या फिर पूरे में आपस में गुणा कर दो फिर हल कर दो, ठीक है। तो कैसे भाई, वाई बराबर मान लिया अपन ने, वाई बराबर पी एक्स प्लस क्यू और आर अपॉन एस, आर अपॉन एक्स प्लस एस, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना। और सूत्र याद है आपको फर्स्ट सेकेंड वाला कैसे करना है, कि पहले वाले को बाहर रखेंगे दूसरा वाले का अवकलन, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे पहले वाले का अवकलन। तो ये कितना dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर, यहां से अपन कर रहे हैं d अपॉन dx px प्लस q, और यहां पर एक काम कर लो x को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस की एक प्लस s, ऐसे कर लो। अब फर्स्ट सेकेंड लगा दो, पहले वाले को बाहर रखा px प्लस q, दूसरे वाले का अवकलन किया d अपॉन dx, r s की पावर माइनस एक प्लस s, ठीक है। यहां पर x है, यहां पर x रखना है x, और ये हो रहा प्लस, अभी क्या दूसरे वाले को बाहर रखते हैं r s की पावर x की पावर, यहां क्या दिक्कत है, x की पावर माइनस एक प्लस s और d अपॉन dx और ये पी एक्स प्लस क्यू, अभी प्रॉपर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हल करता हूं तो यहां से क्या वैल्यू निकलेगी, डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू, एंड यहां पर आप कर दोगे आर एस की पावर माइनस वन, है समझना बात को मेरी, पहली बात तो आर बाहर निकलेगा, ठीक है, आर बाहर निकलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस एक और प्लस डी अपॉन डी एस एक्स और एस, ठीक है, इतना हो गया। प्लस यहां पर आप कर रहे हो आर एक्स की पावर माइनस एक प्लस एस, और यहां आप कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, और पी बाहर निकल आएगा और एक्स का अवकलन करना है, प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई आपके पास। अभी यहां पर अपन को क्या मिलना है, पी एक्स प्लस क्यू और यहां पर r इंटू, अब x की पावर माइनस एक का अवकलन कैसे होगा, माइनस एक बाहर आएगा और x की पावर हो जाएगा माइनस एक माइनस का एक, ठीक है। यहां पर s का अवकलन तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको अपन r x की पावर माइनस बनता ना, तो उसको तो ज्यों करते लिख लो r बटे x ही लिखे रहो, r बटे x प्लस s, ठीक है। और यहां पर अपन कर रहे हैं तो ये p और d अपॉन डी एक्स एक्स, इसका करेंगे तो एक हो जाएगा और इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो गुणे एक प्लस जीरो। तो यहां से अपन को वैल्यू मिल जानी है पी एक्स प्लस क्यू और यहां पर हो गया माइनस का आर और एक्स की पावर माइनस टू और प्लस जीरो तो हटा दो, और यहां पर बचा आर बटे एक्स प्लस एस और यहां पर बचा पी, ठीक है। तो ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस आर, एक्स की पावर माइनस दो है तो उसको नीचे ले जाते तो पॉजिटिव कर दो, x की पावर दो प्लस r बटे x प्लस s और ये p, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हो फाइनल आंसर जो आपका आना है वो आना है माइनस r पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस p, और यहां पर आप कर सकते हो r बटे x प्लस s, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसका आपस में अंदर गुणा करा लो, अगर हम इसमें आपस में अंदर डीवाई गुणा करा दे तो कितना होता है देख लेते हैं एक बार, चाहे इसको आप इसी प्रकार रहन दे सकते हो, अंदर गुणा करा के भी कर सकते हो। कैसे कि भाई लासा आएगा कितने का आपका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का भी गुणा होगा तो माइनस आर एक्स का गुणा होगा और ये पी एक्स प्लस क्यू और यहां पर एक, यहां पर गुणा नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, दूसरे वाले में एक्स का गुणा होगा, यहां पर होगा तो पी और यहां पर अपन गुणा करेंगे x का और ये हो जाएगा r प्लस एस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन लासा लेंगे। बात को समझना मेरी, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कराता हूं होगा क्या एक्चुअली में, कि यहां पर पहली बात आप लासा लोगे इस जगह पर, ठीक है, तो यहां लासा कितने का आएगा, x का, यहां पर अपन कर रहे हैं p, ये हो जाएगा r प्लस एस एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस r पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप लासा ले लो कितने का, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा माइनस आर पी एक्स प्लस क्यू और प्लस पी और यहां पर लासा एक्स का, तो ये एक्स आएगा, ये आर प्लस एस एक्स, ठीक है, ओके। तो यहां से मिल रहा है माइनस आर का गुणा होगा तो माइनस आर पी एक्स माइनस आर क्यू प्लस पी एक्स आर
और प्लस पी एक्स स्क्वायर एस अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ कट रहा है, देखो पी एक्स आर ये वाला चीज कट रही है, पी एक्स आर और ये पी एक्स आर ये वाला कट रहा है, तो इसको काट दो, ठीक है। तो यहां से हो गया ये पी एस एक्स स्क्वायर माइनस का आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का दोनों में भाग देते हैं, तो पी एस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट रहे हो, तो ये कितना बच रहा है, पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। चाहे मेरे हिसाब से इसको अगर सवाल को देखा जाए तो इस सवाल को इस तरीके से करने की अपेक्षा अंदर गुणा करके करो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड, कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सेकंड मेथड में अगर आप, आपको दिया गया था, अपन ने मान लिया, माना वाई बराबर कितना दिया ये कि पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू और आर बटे एक्स प्लस एस, ये दिया, इनका आपस में गुणा करा लो अंदर, तो पी एक्स का अगर अपन गुणा करेंगे तो पी एक्स का गुणा कर रहे हैं अपन इसके साथ, अगर हम बात करें कि पी एक्स का गुणा कर रहे हैं आर बटे एक्स प्लस एस और क्यू का गुणा कर रहे हैं अपन आर बटे एक्स प्लस एस इसके साथ, ठीक है। अभी गुणा कराओ तो ये तो हो जाएगा पी एक्स गुणे आर बटे एक्स और ये हो जाएगा पी एक्स एस प्लस क्यू गुणे आर बटे एक्स प्लस क्यू एस, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, आप ये देख पा रहे हो कि ये ऊपर नीचे एक्स से एक्स काट दोगे, ठीक है, तो यहां से अपन को मिल रही है वाई की वैल्यू, ये हो गया पी आर प्लस पी एस एक्स प्लस इसको कर लो क्यू आर और एक्स को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस एक और प्लस क्यू एस। अब इसमें जो अचार अचार पाते हैं उसको साइड में कर लो, तो इसको कर रहे हैं अपन पी, इसको कर रहे हैं अपन पी एस एक्स, ठीक है, पी एस एक्स, ठीक है, और प्लस क्यू आर एक्स की पावर माइनस एक प्लस यहां कर रहे हैं पी आर प्लस क्यू एस, इसको अपन ने साइड में कर लिया। अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे यहां से तो कितना मिलना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अच्छा यहां पर कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स पी एस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू आर एक्स की पावर माइनस एक प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये कर रहे हो पी आर प्लस क्यू एस। अब बात को समझना, यहां पर ये जो अचर पद है इसका तो हो जाएगा टोटल जीरो, ठीक है, और आप पी एस और क्यू आर को बाहर निकालोगे क्योंकि ये अचर पद है, कॉन्स्टेंट पद को अपन बाहर निकाल लें, तो पी एस बाहर निकलेगा क्यू डी अपॉन डी एक्स, पी एस बाहर निकला डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस, और यहां पर अपन ने क्यू आर को बाहर निकाला, क्यू आर को बाहर निकाला तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस एक, अच्छा यहां से क्या मिलना है डी अपॉन डी एक्स एक्स का हो जाएगा एक, ये हो जाएगा पी एस, इसका तो मिल गया अपन को एक, ठीक है, और यहां पर क्यू आर एक्स की पावर माइनस एक का कितना होगा माइनस एक बाहर निकलेगा एक्स की पावर माइनस एक और माइनस एक इतना मिलेगा, तो यहां से क्या बनना है पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स की पावर माइनस दो का, तो नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इतना आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिया है इस प्रकार से कि ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, तो वाई मान लिया एक्स के साथ अवकलन करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला लगाते हैं पहले, तो स्टार्टिंग में अपन इसको फर्स्ट सेकंड वाले से लगाते हैं, तो कैसे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, सी एक्स प्लस डी का अवकलन कर रहे हो, फिर सी एक्स प्लस डी को बाहर रखो और पहले वाले का अवकलन कर देंगे ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, या तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है, या तो आप सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दो, या फिर आप घात से करो डायरेक्ट, समझना बात को, कैसे कि अगर हम ए एक्स प्लस बी, मैं आपको अलग से क्लियर करा देता हूं कि अगर आप घात से करते हो कि अगर आपको होल स्क्वायर खोल के करते हो, कैसे समझना जरा, कि जैसे ये दिया आपका डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, दो तरीके हैं करने के, कैसे कि आप या तो घात से कर लो, घात से कैसे करोगे, पहले घात आगे आएगी और घात में एक की कमी कर दोगे, ये करते हैं पहले, तो घात आगे आती है घात में एक की कमी करते हो, और चूंकि यहां पर x नहीं है सी एक्स प्लस डी है तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसका अपन फिर से अवकलन कर देंगे, यानी सी एक्स प्लस डी का अपन फिर से कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा टू सी एक्स प्लस डी मिलेगा और यहां पर घात हो जाएगी एक
और सी एक्स प्लस डी का करोगे तो कैसे करोगे भाई, सी बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स करोगे और डी अपॉन डी एक्स डी करोगे, ठीक है। तो यहाँ इसका ये मिलेगा आपको टू सी एक्स प्लस डी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा एक, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, बचेगा कितना सी बचेगा, तो मात्र सी बचेगा। तो ऐसे कर सकते हो, एक चीज यहां से इस तरीके से आ सकती है। दूसरा आप ये कर सकते हो भाई, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दो, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है, और फिर कर दो। तो देखो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर की बात मैं कैसे कह रहा हूं कि डी अपॉन डी एक्स यहां पर मिलेगा आपको सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने खोल दिया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपन को क्या मिलना, अगर मैं बात करूं तो इसमें करोगे तो कैसे, सी स्क्वायर बाहर आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कहलाएगा, प्लस टू सी डी बाहर आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स आएगा, और यहां पर डी अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपको पता है, घात आगे आएगी, घात में एक ही कमी करोगे, तो घात आगे ले लो टू, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स घात एक, ठीक है। यहां पर बचेगा टू सी डी, और यहां पर डी अपॉन डी एक्स इसका मान आएगा एक, प्लस इसका मान आएगा जीरो, तो ये भी वही चीज कहलाएगी, बात समझ ना, टू सी स्क्वायर एक्स प्लस टू सी डी। अब चाहो तो इसमें कॉमन निकाल लो टू सी, तो कितना बच जाएगा, टू सी कॉमन निकालने पर ये बच जाएगा यहां से सी एक्स प्लस डी, इतना तब भी आ रहा था, है ना। तो चाहे जैसे सोच लो, मेरे हिसाब से आप स्क्वायर खोल लो और फिर हल करो, ठीक है। बाकी क्या मैंने दोनों तरीके बता दिए किस तरीके से आप इस चीज को ओपन करके हल कर सकते हो, ठीक है। अब अपन प्रॉपर सॉल्यूशन पे आते हैं कि अपन जो जहां पर अपन हल कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा आपसे कि इसका अपन होल स्क्वायर खोलते हैं और फिर हल करते हैं। तो कैसे, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर अपन कर रहे हैं ए स्क्वायर, यानी ये हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी कर रहे हैं, यानी टू सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, यानी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस सेकेंड वाला पार्ट क्या था, ये था सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और यहां पर अपन अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ये हो गया ए एक्स, और प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया बी, ठीक है, ओके जी। तो अभी अलग करो ए एक्स प्लस बी, अच्छा यहां पर अलग अलग करेंगे तो सी स्क्वायर, तो पहले बाहर निकाल लो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा टू सी डी, टू सी डी बाहर निकल आया और डी अपॉन डी एक्स एक्स कर रहे हैं, प्लस यहां पर अपन कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्लस ये सी एक्स प्लस डी ले लो, सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, और यहां पर अपन ने ए को बाहर निकाला डी अपॉन डी एक्स एक्स किया, प्लस आपको पता है अगर हम डी का, क्योंकि डी अचर पद है, यहां पर डी था बी था, हाँ बी अचर पद है, बी अचर पद है, तो बी का करेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर डी स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ डी स्क्वायर था, और यहाँ पर ये बी का करोगे तो जीरो मिल जाएगा, डी का करोगे तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं जीरो, और यहाँ अपन ने किया ए एक्स प्लस बी, अच्छा ये हो गया सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना मिलेगा, टू एक्स मिलेगा, प्लस टू सी डी एक्स का करेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा, यहाँ से जीरो मिलना है, प्लस यहाँ से कितना मिलना है, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और यहाँ पर एक गुणे वन, ठीक है, और प्लस तो मैं जीरो था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, आपका आंसर आना है यहाँ से टू सी स्क्वायर एक्स प्लस टू सी डी, जीरो हटा दो, और यहाँ पर बच जाएगा सी एक्स प्लस डी स्क्वायर और गुणे में ए बच जाएगा। तो अभी कॉमन निकाल सकते हो, ए एक्स प्लस बी कॉमन निकालोगे टू सी, तो अंदर से कितना बचना है, यहाँ से बचना है सी एक्स, यहाँ से सी एक्स बचना है, यहाँ से बचना है आपका डी, ठीक है, और प्लस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर इन टू ए। तो भाई यहाँ से आप फाइनल तौर पे कह रहे हो कि जो फाइनल आंसर आ रहा है टू सी ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर ए, और ये कह रहे हो सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सी एक्स प्लस डी कॉमन निकाल ले, तो सी एक्स प्लस डी कॉमन निकाल दो, सी एक्स प्लस डी, देखो आप सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर भी सी एक्स प्लस डी है, दोनों से सी एक्स प्लस डी कॉमन निकालो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा टू सी ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से बच जाएगा ए, एक बच जाएगा सी एक्स प्लस डी, इतना बच जाएगा, ठीक है। इसका अंदर गुणा कराते हैं तो सी एक्स प्लस डी, और ये हो रहा है टू ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी, ठीक है।
अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये टू ए सी एक्स और ए सी एक्स जुड़ जाएगा तो थ्री ए सी एक्स कर सकते हो, तो ये सी एक्स प्लस बी और यहाँ पर निकल लिया थ्री ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए डी, ठीक है। तो अभी ये आपका जो आंसर आ रहा है ये प्रॉपर ये इतनी आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच आपको दिया है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो मान लिया वाई बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो कैसे करना है, आंसर वाला सूत्र लगा देना, आपको भाग विधि वाली सूत्र लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ से, भाई ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हर को बाहर निकालना है यानी सी एक्स प्लस डी, अंश का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस अंश ले रहे हो ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी अपॉन हर का वर्ग करना है यानी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आप कर रहे हो भाई सी एक्स प्लस डी। अभी एक चीज समझो, मैं ए एक्स प्लस बी का डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना कैसे कि ए तो बाहर निकलेगा, ठीक है, ए बाहर निकलेगा, एक्स का जब अवकलन करोगे तो एक निकलेगा और बी का अवकलन करने पर जीरो मिलेगा, क्लियर है बात। ए एक्स प्लस बी में क्या होगा, ए बाहर निकलेगा, एक्स करोगे तो एक मिल जाएगा और बी का अवकलन करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ले रहे हो ए एक्स प्लस बी और यहाँ सी एक्स प्लस डी का भी सेम आएगा, कैसे कि सी बाहर निकलेगा एक्स का तो ए का अवकलन हो जाएगा और प्लस डी का करोगे तो जीरो हो जाएगा अपॉन ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बच जाएगा भाई ए, यहां से बच गया ए, तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी ए माइनस ये है ए एक्स प्लस बी और सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है, गुणा करा दो अंदर तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी और माइनस ए सी एक्स माइनस बी एन सी, तो सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। और यहां आप कह रहे हो भाई ए सी एक्स प्लस और माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच गया ए डी माइनस बी एन सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह आपको इस प्रकार से दिया है भाई, वन प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स, मान लिया वाई बराबर, इसको पहले इसको तो हल कर लेते हैं, ऊपर वाले में लासा लेंगे कितने का एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे वाले में लासा आएगा एक्स का तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन। अभी आपको पता है इस चीज को अपन पलट लेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गुणे एक्स ऊपर और एक्स माइनस नीचे, तो ये भाई एक्स से एक्स कट जाएगा ये इस प्रकार से, तो क्या बच जाएगा फाइनल तौर पर वाई बराबर बच रहा है आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और भाग विधि लगा रहे हो, ठीक है, आंसर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, आंसर वाला फॉर्मूला हर को बाहर रखोगे एक्स माइनस वन बाहर रहेगा, अंश का अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है, और माइनस अंश को बाहर रखोगे, ठीक है, और अंश को बाहर रखोगे और हर का अवकलन कर दोगे, ठीक है, हर का अवकलन कर दोगे डी अपॉन डी एक्स और हर है एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वन, हर का वर्ग कर दोगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी बचनी है एक्स माइनस एक, अभी समझो एक्स का अवकलन होगा तो एक मिलेगा, एक का अवकलन होगा तो जीरो मिलेगा, यहां पर भी एक्स का अवकलन करोगे तो एक मिलेगा और एक का अवकलन करोगे तो जीरो मिलेगा, तो कितना मिलना है यहाँ पर, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो माइनस एक्स प्लस वन और यहां से मिलना है वन माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस एक का स्क्वायर, तो यहां से आपको वैल्यू मिलनी है एक्स माइनस एक, भाई वन प्लस जीरो वन रहेगा और एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहां पर भी एक्स प्लस वन, वन माइनस जीरो वन रहेगा और एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर यहां पर हो रहा। अब माइनस का अंदर गुणा करा दो, एक्स माइनस एक माइनस एक्स माइनस एक बटे एक्स माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा भाई, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो रहा और माइनस एक हो जाएगा आपका माइनस का टू, तो यहां से आपको जो फाइनल आंसर मिलना है डीवाई अपॉन डी एक्स, तो ये मिलना है माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सात आपको दिया है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई मान लिया एक्स आप अवकलन कर रहे हैं और अंश हर वाला अपन सूत्र लगा देते हैं, ठीक है, तो यहां से अपन को क्या मिलना भाई, हर को बाहर रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अंश का अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स वन का अवकलन करेंगे माइनस अंश को बाहर एक को बाहर रखोगे और हर का अवकलन कर दोगे यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन हर का वर्ग होना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर करना है।
तो यहां से एक का तो अवकलन हो जाएगा जीरो। अब एक का अवकलन जीरो करोगे तो यानी ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये वाला आपका जो पूरा सिस्टम है ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर मिलना अपन को dy अपॉन dx बराबर ये हो गया जीरो माइनस एक का गुणा करने से फर्क नहीं पड़ना, हटा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a को बाहर रखोगे d अपॉन dx x स्क्वायर का अवकलन करेंगे प्लस b को बाहर रखेंगे d अपॉन dx x का अवकलन करेंगे प्लस d अपॉन dx और ये c, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना कि माइनस के अंदर गुणा होगा, ठीक है, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पर अपन को क्या मिलेगा, अगर हम बात करें कि ए माइनस बाहर रखे रहो, ए एक्स स्क्वायर का कितना होगा टू एक्स प्लस बी एक्स का कितना मिलेगा एक, और यहां पर सी का अवकलन हो जाएगा जीरो, तो प्लस जीरो बटे ये हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, माइनस को बाहर रख रहे हैं यहां पर हो गया टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आना है। इसी चीज अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं, देखो सेकेंड मेथड ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं कि किस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हो, किस तरीके से आप सोच सकते हो, तो उसके लिए ऐसे कर सकते थे कि वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, ठीक है। अब इसकी घात कितनी है, घात है इसकी एक, इस चीज को ऊपर ले जाओ, तो जब अपन ऊपर ले जाएंगे यानी एक गुणे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर अपन कर सकते हैं माइनस का एक, ऐसा सोच सकते हो अपन। तो वाई बराबर कितना ले रहे हो अपन, ये ले रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक। अब इसको अपन डायरेक्ट घात वाले सूत्र से हल करते हैं, कैसे समझो, ये कितना बनेगा, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां अपन कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक। घात वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा, घात जो होती है वो आगे आ जाती है, क्या बताया मैंने, घात आगे आ जाएगी, घात में एक ही कमी कर दोगे, तो घात को आगे ले लो और घात में एक ही कमी यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एक और माइनस एक, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। सूत्र अपना किसके लिए होता है, सूत्र होता है अपना डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, किसके लिए होता है, एक्स के लिए, तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो वो अपन एक्स्ट्रा मानेंगे और उस एक्स्ट्रा का अपन फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का अपन फिर से अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी चीज का करोगे, घात का नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से कितना मिलना है, माइनस एक, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस एक हो गया माइनस दो। यहां पर अपन करेंगे ए को बाहर रखोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का कर रहे हो प्लस बी को बाहर रखोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का कर रहे हो प्लस डी अपॉन डी एक्स सी का कर रहे हो, ठीक है। यहां पर कितना होना है, माइनस एक अपॉन, इसको अपॉन में ले जाते हो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर ले लोगे, और यहां पर ले रहे हैं ए एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस बी वन और प्लस जीरो। तो फाइनल आंसर जो बचना है आपको माइनस, ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, इतना आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर आपको आठ दिया है, इस प्रकार से ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। तो मान लिया अपन ने वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और आपको पता है अंश हर वाला सूत्र लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, अगर मैं बात करूं कि हर को बाहर रखोगे आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अंश का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस अंश को बाहर रखोगे ए एक्स प्लस बी को और हर का अवकलन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स, ये हो रहा भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में हर का अपन बर कर रहे हैं, किसका, हर का बर कर रहे हैं, तो हर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसका अपन बर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अपन को कितना मिल रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और ए एक्स प्लस बी के लिए क्या मिलेगा समझो भाई, ए एक्स प्लस बी में ए बाहर आएगा, x का हो जाएगा वन और b का हो जाएगा जीरो, ठीक है, a गुणे वन प्लस जीरो इतना मिलना है, क्लियर है बात, माइनस ए एक्स प्लस बी। अभी यहां पर भी ध्यान दो, यहां पर क्या मिलेगा, पी एक्स स्क्वायर में क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर में भाई p निकलेगा बाहर और एक्स स्क्वायर का करोगे तो मिल जाएगा टू एक्स, ठीक है, प्लस क्यू एक्स के लिए क्या होगा, q निकलेगा बाहर और x का हो जाएगा एक, और प्लस r का कितना हो जाएगा, आपको पता है r अचर पद है तो r का हो जाएगा जीरो,
ठीक है, तो ये चीज मिलनी है अपन को, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अपॉन में क्या रहना भाई, अपॉन में ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर चल रहा था, तो इसको अपन को लिए रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अपन को मिल जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहां पर वैल्यू हो रही है ए, माइनस ए एक्स प्लस बी, और यहां पर अपन को मिल रहा है टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है भाई, अपॉन ये हो रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन चाहो तो ओपन कर देते हैं, तो ओपन करने पर वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, ये है ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, माइनस यहां पर कितना मिलना अपन को, ये हो रहा है टू ए पी एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का ए क्यू एक्स, फिर बी के साथ गुणा करोगे तो माइनस ये हो रहा है टू और बी पी, बी पी पी लेना है क्यू नहीं, ठीक है, माइनस का टू बी पी एक्स इतना हो गया, और ये माइनस का बी क्यू, और अपॉन में था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर। अच्छा कैंसिल आउट क्या होगा, ए क्यू एक्स प्लस माइनस का ए क्यू एक्स कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और यहां पर ये ए पी एक्स स्क्वायर और ये चीज जो है ये आपकी घट जाएगी, तो यहां से कितना बच जाएगा अपन को, ये बचेगा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू बी पी एक्स, ओके ये भी ठीक है, प्लस का ए आर और माइनस का बी क्यू, ठीक है, अपॉन में ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका जो फाइनल आंसर है, इतना फाइनल आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है इस प्रकार से भाई, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो अपन ने वाई मान लिया, एक्स दिशा पे अवकलन कर रहे हैं, और आंसर वाला अपन सूत्र लगा देते हैं, तो यहां से अपन को क्या मिलना, अगर मैं बात करूं, ये हर को अपन को बाहर रखना है और अंश का अवकलन कर देना है डी अपॉन डी एक्स, ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, माइनस अंश को बाहर रखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और हर का अवकलन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां से अपन को जो वैल्यू मिलनी है ए एक्स प्लस बी, अच्छा यहां पर कितना मिलना है अगर मैं बात करूं, देखो पी एक्स स्क्वायर का पी बाहर रखोगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, प्लस क्यू एक्स में क्यू बाहर रखोगे एक्स का हो जाएगा वन, आर का हो जाएगा जीरो, ठीक है, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहां पर ए एक्स प्लस बी में ए को बाहर रखोगे एक्स का हो जाएगा वन और बी का हो जाएगा जीरो अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके, तो यहां पर ए एक्स प्लस बी रहना है, अच्छा यहां पर अपन को कितना मिलना है टू पी एक्स प्लस क्यू, और यहां पर माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर ए रहना है बटे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अंदर गुणा करा देते हैं, तो जब आप अंदर गुणा करा रहे हैं तो टू ए पी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए क्यू एक्स हो गया, प्लस टू बी पी एक्स हो गया, प्लस बी क्यू हो गया, माइनस ए का गुणा कराओगे तो माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर, माइनस का ए क्यू एक्स, माइनस का ए आर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा भाई, अगर मैं बात करूं कैंसिल होने की, तो ए क्यू एक्स प्लस माइनस का ये ए क्यू एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं टू ए पी एक्स स्क्वायर और ये ए पी एक्स स्क्वायर, ये कट जाए घट जाएंगे, तो घटने पर आ जाएगा ये ए पी एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस टू बी पी एक्स आएगा प्लस बी क्यू आएगा माइनस का ए आर आएगा अपॉन ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आपका आना है वो इतना आंसर, फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है भाई, ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मान लिया अपन ने वाई, ओके, अभी करेंगे क्या, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 दिया है तो इनको ऊपर ले जाओ, यानी निगेटिव पावर कर लो, तो वाई बराबर हो जाएगा ए एक्स की पावर माइनस 4 कर सकते हैं बिल्कुल माइनस, बी एक्स की पावर माइनस 2 कर सकते हैं बिल्कुल प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर कर रहे हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर पहले वाले में क्या होगा, आपको पता है पहले वाले में करेंगे तो ए को बाहर निकाल लो
और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस फोर, ठीक है। फिर माइनस यहां पर क्या होगा, ये बी बाहर निकल आएगा, बी बाहर निकाल लो, और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस टू, फिर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, है ना। घात के लिए कैसे हल करते हैं, आपको पता है घात आगे आ जाएगी और घात में एक की कमी कर दोगे, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर कर लो b, घात आगे ले लोगे और घात में एक की कमी कर दोगे। प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का याद रखो माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहां से अपन को क्या मिलना है, माइनस फोर ए की पावर माइनस का फाइव, एक्स है यहाँ पर, एक्स करना है, ठीक है, यहाँ एक्स एक्स, तो ये कितना एक्स की पावर माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टू डी एक्स की पावर माइनस टू, और माइनस का प्लस माइनस माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से अपन को, अच्छा, एक्स की पावर माइनस पांच, एक्स की पावर माइनस तीन, ठीक है, एक्स की पावर माइनस तीन। अब इसको बटे में ले जाओगे तो घात हो जाएगी पॉजिटिव, तो माइनस का फोर ए अपॉन, इसमें कर रहे हो एक्स की पावर फाइव, और यहां पर कर दिया प्लस टू बी अपॉन में एक्स की पावर थ्री और माइनस का साइन एक्स। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, चार अंडर रूट एक्स माइनस दो, मान लिया, माना वाई बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन इसको अलग अलग कर लो, डी अपॉन डी एक्स चार अंडर रूट एक्स और माइनस डी अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। चार को बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स और ये बचा अंडर रूट एक्स, माइनस दो का करेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो माइनस जीरो हटा दो। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखो, ये डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स है, तो क्या करोगे, एक्स की पावर एक बटे दो। अभी आपको पता है घात के लिए क्या करते हैं, घात आगे आ जाती है और घात में एक की कमी कर देते, तो एक बटे दो माइनस एक, तो यहां पर कितना मिलेगा, दो से अपन ने चार को काटा, दो से चार को काटा दो बार में, तो ये मिल गया यहां पर अपन को टू, और एक्स की पावर एक बटे दो में ऐसे माइनस एक घटा दो तो कितना मिलेगा, एक्स की पावर हो जाएगा माइनस का एक बटे दो। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे में कर दोगे, तो टू अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू कर दोगे, और इसको लिख सकते हो टू अपॉन एक बटे दो घात का मतलब अंडर रूट एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक गौर करने वाली बात बहुत जरूरी है जिसको आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का मान होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये आपको सूत्र के तौर पर याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल सूत्र के तौर पे याद रखना है कि d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का अपन करते हैं, अगर अपन अंडर रूट एक्स का कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। कक्षा 12 में इसका बहुत ही ज्यादा अंडर रूट एक्स बहुत ज्यादा बार आता है, जो अंडर रूट एक्स बहुत ज्यादा बार आता है तो उसको आप बार बार नहीं करते रहोगे, आप याद रखोगे कि अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, कितना होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, इसके अलावा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, ए एक्स प्लस डी की पावर एन, तो अपन ने वाई बराबर मान लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो घात वाला सूत्र लगाएंगे, घात वाला सूत्र कैसे, कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सूत्र होता है, इसका अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां याद रखना है, सूत्र जो होता है एक्स के लिए होता है, तो यहां पर दिया आपको ए एक्स प्लस बी, यानी कि घात वाला सूत्र तो लगेगा ही लगेगा, ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन कर दोगे, बात को समझना, क्या होगा, घात आगे यानी एन आगे ले लोगे, एक्स प्लस बी में क्या करोगे एन माइनस वन, क्योंकि घात में एक की कमी कर देते हैं, तो एन माइनस वन और डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, ओके। तो यहां से अपन को मिल जाएगा एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इन टू, यहां पर जब अपन करेंगे तो ए बाहर निकाल लोगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर डी अपॉन डी एक्स एक्स का तो हो जाएगा एक और अचर पद का हो जाएगा जीरो, तो यहां से अपन को मिलेगा एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इन टू, ये हो जाएगा ए गुणे वन प्लस जीरो, इतना मिलेगा यानी टोटल ए मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि भाई इसको लिख सकते हो एन ए ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है इस प्रकार से ax प्लस बी की पावर n सी एक्स प्लस डी की पावर m y बराबर अपन ने मान लिया x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और फर्स्ट सेकंड लगा देंगे अवकलन में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला सूत्र आपको ध्यान रखना है, कैसे करोगे, पहले वाले को बाहर रखोगे ax प्लस बी की पावर n और दूसरे वाले का अवकलन कर दोगे डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर एम, इसका अवकलन। फिर सी एक्स प्लस डी की पावर एम को बाहर रखोगे और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका अवकलन कर देंगे अपन। तो यहां से आप कह रहे हो भाई कितना कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू, आपको याद रखना है सूत्र क्या होता है, घात आगे जाती है और घात में एक की कमी कर देते हो। दूसरा, चूंकि ये सी एक्स प्लस डी एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसका अपन फिर से अवकलन करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करोगे, एम आगे आ जाएगा और यहां पर बचेगा सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, इतना हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का याद रखिएगा एक्स्ट्रा पार्ट होने की वजह से फिर से अवकलन कर दोगे। इसी प्रकार यहां पर कर रहे हो भाई सी एक्स प्लस डी की पावर रहेगा एम और यहां पर हो जाएगा इनटू में एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इनटू और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का फिर से अपन अवकलन कर देंगे। तो यहां से अपन को निकल के आएगा, अगर मैं बात करूं एम, अच्छा ए एक्स प्लस बी की पावर एन है ना, अब समझना बात को, अपन यहां से ऑब्जर्व करो, देखो यहां ए एक्स प्लस बी की पावर एन है और यहां आप देख पा रहे हो ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, तो अपन एन को क्या लिख सकते हैं, बात को समझना, एन को अपन लिख सकते हैं एन माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। और घात में जब n को n माइनस वन प्लस वन रखेंगे तो घात को क्या करेंगे, अलग अलग कर लो, n माइनस वन को अलग ले लो और वन को अलग ले लो। अब समझना मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको, कि यहां से m को आगे लिखा, इसको लिख लो ए एक्स प्लस बी, एन को लिख लिया अपन ने n माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी की घात एक, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर है भाई सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, ठीक है, और इनटू में, अच्छा सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो क्या होगा भाई, आपको पता है कैसे निकल के आएगा, सी बाहर निकलेगा, एक्स का एक हो जाएगा और डी का अवकलन जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस आगे बात करूं अगर मैं, तो एन आगे ले लो और यहां पर है ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सेम सिचुएशन इसके साथ करेंगे सी एक्स प्लस डी की पावर एन के साथ, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, सी एक्स प्लस डी की पावर ले लोगे एम माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी ले लोगे और पावर एक, अच्छा यहाँ ए एक्स प्लस बी की अगर मैं बात करूं ए एक्स प्लस बी की, तो ए एक्स प्लस बी के लिए क्या करोगे, ए को बाहर निकालोगे, एक्स का एक कर दोगे प्लस बी का जीरो कर दोगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई, अगर मैं बात करूं देखो यहां तो सी गुणे एक प्लस जीरो सी हो जाएगा, ए गुणे एक प्लस जीरो ए हो जाएगा। तो और दूसरी बात, यहां पर कॉमन क्या क्या निकल रहा है, अगर मैं बात करूं कॉमन देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन ये कॉमन है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से अपन ने कॉमन निकाला तो कितना हो रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन ये कॉमन निकाला, बच कितना गया, यहां से तो बचा सी और यहां से बचा एम, तो आपने लिखा सी एम और ये कहलाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और प्लस यहां से बचा कितना, यहां से बचा ए यहां से बचा एन, तो ये कहलाएगा आपका ए एन और ये वाला पार्ट सी एक्स प्लस डी बच जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी, तो फाइनल आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेती है इस प्रकार से, ए एक्स प्लस बी की पावर अपन ने किया एन माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन और यहां पर अपन लिख रहे हैं सी एम ए एक्स प्लस बी प्लस ए एन और यहां पर सी एक्स प्लस डी, तो फाइनल का जो आपका आंसर आना है वो इतना फाइनल आंसर आ जाना है, क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है साइन एक्स प्लस ए, माना वाई बराबर एक्स के साथ अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, आपको सूत्र पता है कि साइन का जब अवकलन करते हैं तो कॉस मिलता है, ठीक है, ध्यान रखो यहां पर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है भाई, साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, ठीक है, ये सूत्र होता है, लेकिन यहां ध्यान रखो यहां एक्स होता है और यहां पर एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए एक्स्ट्रा पार्ट है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट होने की वजह से उस चीज का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसका अपन फिर से अवकलन कर देंगे, तो यहां से अपन को क्या मिलना है भाई, साइन का हो जाएगा कॉस कॉस एक्स प्लस ए और इंटू में एक्स प्लस ए का फिर से अवकलन कर दोगे, ठीक है, एक्स प्लस ए का अपन फिर से अवकलन कर देंगे, तो ये कॉस एक्स प्लस ए इंटू ये हो रहा है डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ए, ठीक है,
एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स प्लस ए इंटू यहां पर मिलेगा एक प्लस ए का अवकलन जीरो हो जाएगा। तो फाइनल तौर पर वन प्लस जीरो वन और वन का गुणा करने पर वही चीज मिलती है, यानी कॉस एक्स प्लस ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसी चीज को अगर मैं सूत्र की मदद से मतलब अगर इसको ऐसे लगाना चाहूं तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, इस तरीके की अप्रोच रख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर तरीका है। बाकी का आप अगर अप्रोच की बात करूं, दूसरे तरीके की बात करूं, तो इसको आप ऐसे सोच लो कि भाई x साइन x प्लस ए है, साइन x प्लस ए के लिए सूत्र खोल दो, क्या होता है आपको साइन ए प्लस बी का सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है साइन x आएगा cos a आएगा प्लस cos x आएगा साइन a आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन अवकलन कर देंगे तो y बराबर हो गया, तो ये dy अपॉन dx ले लो, dy अपॉन dx तो कितना आएगा d अपॉन dx साइन एक्स कॉस ए और प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से ले लोगे। अच्छा, अब यहां पर क्या करना है अपन को कि कॉस ए जो है वो आपका अचर पद है, कॉस ए यहां पर कॉस ए और यहां पर साइन ए अचर पद है, और अचर पद क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, भगा इसको बाहर, कॉस ए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्लियर है बात मेरी, और यहां से भी साइन ए को निकालो बाहर, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अभी आपको सूत्र याद होना चाहिए कि भाई साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कॉस ए इसका होता है कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन ए और इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो यहां से आपका सूत्र बन जाएगा, इसको आप बना सकते हैं कॉस एक्स कॉस ए माइनस ले लो साइन एक्स साइन ए। तो ये सूत्र किसका, ये सूत्र है कॉस ए प्लस बी का, यानी आप यहां से क्या कर सकते हो कॉस एक्स प्लस ए आंसर आ जाएगा। तो चाहे जैसे सोच लो, इस तरीके से सोच सकते हैं, और ये दूसरा एक तरीका ये भी था। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन 15 की बात करें, आपको दिया कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो वाई बराबर मान लिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसको अपन फर्स्ट सेकंड से लगा देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कॉसिक एक्स को भाई बाहर रखो और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन करते हैं, प्लस कॉट एक्स को बाहर रखो डी अपॉन डी एक्स कॉसिक एक्स का अवकलन करते हैं। सूत्र आपको याद होना चाहिए कि भाई कॉसिक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस, ये कितना भाई कॉट एक्स, और कॉसिक एक्स का होता है माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। सूत्र आपको याद होंगे तभी बात बनेगी। ठीक है ना, अच्छा यहां पर कॉसिक एक्स इंटू माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक क्यूब एक्स, मतलब कॉसिक की घात तीन हो जाएगा यहां पर कर दोगे, और यहां से माइनस ले रहे हो, और ये कॉट एक्स और कॉट एक्स इसको कर दोगे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसिक एक्स, तो फाइनल तौर पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई, आपको दिया cos x अपॉन 1 प्लस sin x, y बराबर मान लिया x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और आपको पता है भाई क्या लगा दोगे आंसर वाला, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो भाई देखो क्या निकल के आता है, ये कर दोगे भाई dy अपॉन dx, और यहाँ पर अपन करते हैं हर को बाहर रखोगे 1 प्लस sin x, और अंश का अवकलन करेंगे d अपॉन dx cos x, और माइनस cos x को बाहर रखोगे d अपॉन dx हर का 1 प्लस sin x का अवकलन कर दोगे, अपॉन में ये चीज रहेगी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, अब यहां पर अपन को क्या मिलना है 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ओके 1 का करेंगे, अब यहां पर ध्यान दो भाई 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स होता है, तो यहां पर क्या मिलना है अपन को 0 प्लस कॉस एक्स मिलना है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स का गुणा कर लो, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो माइनस का साइन एक्स माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा भाई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अपन कर सकते हैं 1, तो यहां पर अपन कर रहे हैं माइनस का साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो इसको आप अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स।
ठीक है, एक को आगे ले लो और यहां पर लिख दिया अपन ने 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक घात से ये 1 प्लस साइन एक्स काट सकते हो, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस का एक और नीचे बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आपको दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माना वाई बराबर एक्स के साथ अवकलन कर रहे हैं और भाग विधि द्वारा इसको अपन हल करेंगे। तो क्या मिलेगा अपन को भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हर को बाहर रखेंगे, ठीक है, और अंश का अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बेहतरीन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। और माइनस अंश को बाहर रखो भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और हर का अवकलन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स, और यहां से निकलेगा साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, हर का अपन ने अवकलन कर दिया। अपॉन में हर का वर्ग कर दोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा जरा ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां से आप कर रहे हो भाई साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहां से बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। माइनस यहां पर ले लो भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर क्या निकल के आना है, यहां पर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस माइनस भाई माइनस है कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पर प्लस साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। अपॉन यहां ले लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो इस चीज को समझो, यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक काम कर लो ये जो दूसरा वाला पार्ट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने कर दिया भाई साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, कितना हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर साइन एक्स को आगे ले लो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करो कि माइनस आगे ले लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 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 ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां पर कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, और माइनस यहां पर आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो कर रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, अपॉन यहां पर ले लिया अपन ने साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, अभी क्या कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस यहां पर निकल के आएगा ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये निकल के आएगा माइनस, यहां पर कितना बनना भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये निकल के आना है अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक हो जाएगा, यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक हो जाएगा, तो यहां माइनस बाहर रखे रहो, वन माइनस का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहां पर हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन यहां पर अपन कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। माइनस के अंदर गुणा करा दूं तो माइनस का अपन अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस एक और माइनस माइनस प्लस का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, माइनस के अंदर गुणा करो माइनस एक माइनस का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, अपॉन यहां पर हो गया भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से आप टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये प्लस माइनस में आपने काट दिया, और यहां पर हो जाएगा माइनस एक माइनस एक हो जाएगा माइनस का टू अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया आपको साइन की पावर एन एक्स, मान लिया वाई बराबर, अच्छा साइन की पावर एन एक्स है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा भाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स,
और यहां अपन कर रहे हैं भाई साइन एक्स की पावर एन इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स। तो घात का पहले करेंगे, इस बात को समझना, पहले अपन घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। घात वाला फॉर्मूला कैसे, घात आ जाएगी आगे, यानी एन आगे आएगा और साइन एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस वन। और चूंकि ये साइन एक्स एक्स्ट्रा पार्ट है, होता सूत्र एक्स के लिए लेकिन अपन लगा रहे हैं साइन एक्स के लिए, तो साइन एक्स का अपन फिर से कर देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अपन फिर से अवकलन कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा एन और साइन की पावर, यहां पर ले सकते हैं साइन की पावर कितना एन माइनस वन और एक्स, ठीक है ये हो गया इतना, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, वाई बराबर मान लिया, एक्स के साथ अवकलन कर रहे हैं और आपको पता है सूत्र लगा दोगे भाग विधि द्वारा, ठीक है भाग वाला सूत्र लगा दोगे। कैसे लगाओगे भाई, यहाँ पर कर रहे हो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर कैसे कि हर को बाहर निकालो भाई c प्लस डी कॉस एक्स, हर को बाहर रखना है, अंश का अवकलन d अपॉन dx, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, ठीक है और फिर माइनस अंश को बाहर रखेंगे a प्लस बी साइन एक्स और हर का अवकलन कर देंगे d अपॉन डी एक्स और c प्लस डी कॉस एक्स। इस प्रकार से अपॉन में यहां पर अपन ले रहे हैं c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। तो क्या निकल के आएगा देखते हैं, ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स और यहां पर एक चीज ध्यान दो, a का तो हो जाएगा जीरो, b बाहर निकाल लो कि साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। तो यहां से क्या निकल के आना भाई, अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा जीरो प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है माइनस a प्लस बी साइन एक्स और यहां पर अपन करेंगे तो c का हो जाएगा जीरो, d बाहर निकलेगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि ये हो जाएगा जीरो प्लस डी गुणे यहां पर आएगा माइनस का साइन एक्स, कितना आ जाएगा अपॉन में ले रहे हैं अपन c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, ओके जी। तो यहां से ये बात बननी है भाई c प्लस डी कॉस एक्स और यहां पर हो जाएगा b कॉस एक्स, ठीक है माइनस a प्लस बी साइन एक्स और यहां पर कितना बचेगा माइनस का d साइन एक्स, इतना बचेगा अपॉन ये c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या करो, गुणा करा देते हैं अंदर, तो ये बनेगा सी बी कॉस एक्स प्लस ये बनेगा बी डी कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ए डी साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस है ये आ जाएगा आपका बी डी और साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पर ले रहे हैं सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर बी डी कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी डी साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या करो बी डी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ले सकते हैं बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपन ने कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा भाई ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक। तो बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी इंटू वन अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, तो बी डी इंटू वन बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा भाई, ये अपना आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, आपको दिया है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, तो माना वाई बराबर इतना हो गया, एक्स के साथ अवकलन कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर आंसर वाला सूत्र लगा देंगे। तो भाई क्या निकल के आएगा जरा देख लेते हैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx ये हो जाएगा cos x और अंश का अवकलन करेंगे d अपॉन dx sin x प्लस a और माइनस का sin x प्लस a और d अपॉन dx cos x, ठीक है इतना करेंगे अपॉन में cos x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं cos x sin x प्लस a का कितना करना है, sin का हो जाता है cos, ठीक है इस बात को ध्यान रखना, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, लेकिन ये दिया साइन एक्स प्लस ए तो एक्स्ट्रा एक्स प्लस ए है कि नहीं, तो एक्स प्लस ए का फिर से कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है माइनस यहां पर है साइन एक्स प्लस ए और इंटू कॉस एक्स करेंगे तो कितना होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है कॉस एक्स करेंगे माइनस का साइन एक्स,
और ये है cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा cos x इंटू cos x प्लस a इंटू x प्लस a का, x का करेंगे 1, a का करेंगे 0, माइनस का अच्छा यहां पर ये वाला जो माइनस है इसको ले लो आगे, तो माइनस माइनस प्लस ले लो, साइन x प्लस a इंटू साइन x, ठीक है, ये हो गया अपॉन में cos x का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये कितना कर रहा है भाई, cos x इंटू cos x प्लस a प्लस साइन x प्लस a इंटू साइन x अपॉन cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अपन सूत्र लगा रहे हैं, किस चीज का सूत्र लगा रहे हो, cos a माइनस b वाला, ठीक है ना। ये सूत्र किसके लिए बंधा, ऊपर वाला cos a माइनस का सूत्र होता है आपका cos a cos b और प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको आगे ले लो cos x प्लस a को, cos x प्लस a इंटू cos x और प्लस साइन x प्लस a इंटू साइन x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, अभी ज्यादा सही है, ठीक है। अभी यहाँ पर लगा दोगे आप सूत्र तो ये बना रहे हो cos a माइनस b, यानी cos x प्लस a माइनस x इसका ए प्लस ए माइनस बी हो गया अपॉन, यहाँ पर अपन कर रहे हैं cos x, ठीक है। ये क्या था आपका भाई, cos x का होल स्क्वायर चल रहा था, cos x का होल स्क्वायर चल रहा था, तो ऊपर यहाँ पर प्लस माइनस x ये कट जाएगा, प्लस x माइनस x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा cos a अपॉन cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है x की पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x, ये दिया है, ठीक है। y बराबर मान लिया x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहां पर क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाओगे, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड वाले की मदद से करेंगे, तो कैसे आएगा ये, यहां पर अपन कर देंगे भाई x की पावर 4 को पहले वाले को बाहर रखेंगे d अपॉन dx और सेकंड वाले का 5 sin x माइनस 3 cos x, इसका अवकलन करेंगे प्लस ये 5 sin x माइनस 3 cos x बाहर रहेगा और d अपॉन dx x की पावर 4 का अपन अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x की पावर 4, अच्छा 5 बाहर निकालोगे और sin x का होता है cos x, ठीक है ओके, माइनस का 3 cos x का होता है माइनस का साइन एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पर कितना बचना, ये 5 का साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स और एक्स की घात 4 का क्या रखोगे, एक्स की घात 4 का घात आगे आएगी और एक्स में एक की कमी करोगे यानी 4 माइनस 1 कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और यहां अपन कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 5 cos x माइनस माइनस प्लस का 3 sin x और प्लस ये हो रहा 5 sin x माइनस 3 cos x, इतना हो जाएगा और यहां पर अपन को मिलना है 4x की पावर 3, ठीक है 4x की पावर 3। अब यहां से अंदर गुणा कर लो, कॉमन निकाल लो x की घात 3, ठीक है, x की पावर 3 जो है वो अपन कॉमन निकाल लेते हैं, x की पावर 3 अपन ने कॉमन निकाल ली, तो अब यहां पर अंदर बचना है x और ये बच गया 5 cos x, भाई यहां से x की पावर 4 था और यहाँ x की घात 3 है तो अपन ने x की घात 3 को कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया x 5 cos x प्लस 3 sin x एंड ये बच गया 4 बचा है 4 5 sin x माइनस 3 cos x, इतना बच जाएगा, ठीक है। अच्छा गुणा करा दो अंदर, तो ये गुणा कराने पर निकल के आएगा x की पावर 3 और ये हो जाएगा 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस 20, 5 को 20 sin x माइनस 4 थी 12 cos x, तो फाइनल जो आपका आंसर आना है ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स वाई बराबर मान लिया एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्या कर देंगे, फर्स्ट सेकंड वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो निकल के आएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स और फर्स्ट सेकंड में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का अवकलन यानी कॉस एक्स का अवकलन, फिर कॉस एक्स को बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स का क्या होता है आपको पता है, माइनस का साइन एक्स, याद रखना आपको कॉस एक्स, अच्छा अब याद है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, घात आगे आएगी, घात में एक की कमी करोगे यानी कि 2 आगे आ जाएगा और 2 में एक की कमी यानी एक्स, ठीक है ना, 2 में एक की कमी घात 1 बचेगा
और घात एक का मतलब क्या, एक्स ही कहलाएगा और एक का करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टू माइनस वन और एक का करोगे तो जीरो, इस प्रकार से लिख लो। अच्छा माइनस साइन एक्स के अंदर गुणा करा लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन एक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2x cos x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 2x और 0 है तो प्लस 0 का कोई मतलब बनता नहीं और फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से दिया, ax square plus sin x p plus q cos x, ठीक है, y बराबर मान लिया, इसके साथ जोकलिंग कर रहे हैं और फर्स्ट सेकंड वाला इसमें अपन रूल लगा रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा भाई, dy अपॉन dx बराबर पहले वाले को बाहर रखेंगे, ax square plus sin x को बाहर रखेंगे और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, d अपॉन dx p plus q cos x का अवकलन कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले को बाहर रखो, p plus q cos x को बाहर रखेंगे और पहले वाले का ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का अपन अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है। यहां से निकल के आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स और यहां पर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा भाई, देखो पी का हो जाएगा जीरो, क्यू का करेंगे क्यू बाहर रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया ना, ये जीरो प्लस क्यू को बाहर रखेंगे और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, यहां से पी प्लस क्यू कॉस एक्स और यहां पर कितना बचना है, देखो भाई ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और साइन x का होता है cos x, इतना हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ रहा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का साइन x और माइनस का q साइन x, ठीक है, प्लस का यहां पर कितना है p प्लस q cos x और यहां पर है 2ax प्लस cos x, ठीक है, तो फाइनल तौर पे आप इस तरीके से कह सकते हो भाई, माइनस q और साइन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स और टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फाइनल आंसर आप इतना बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है, x प्लस कॉस एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, माना y बराबर इसमें मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फर्स्ट सेकंड वाला अपन को सूत्र लगा देना है सिंपली, है ना, तो क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dx, अच्छा पहले वाले को बाहर रखो, x प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स, दूसरे वाले का अवकलन x माइनस टेन एक्स और प्लस दूसरे वाले को बाहर रखा, x माइनस टेन एक्स, पहले वाले का अवकलन किया d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, अभी यहां से क्या बचना है अपन को देखते हैं, x प्लस कॉस एक्स, अच्छा समझो x का अवकलन करेंगे तो एक मिलेगा और टेन एक्स का करेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, तो यहाँ पर कितना बचना है, वन माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है भाई, प्लस यहां से हो गया x माइनस का टेन एक्स और यहां पर अगर हम बात करें तो x का करेंगे तो एक मिलेगा, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x मिलेगा, तो वन प्लस और यहां से मिलेगा माइनस का sin x, इतना मिलना है, ठीक है, ओके, तो अभी यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स वन माइनस sec स्क्वायर x प्लस x माइनस का टेन एक्स, ठीक है, और वन माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये इतना कह सकते हैं। इसके अलावा अपन यहां पर ये चीज कर सकते हैं, वन माइनस sec स्क्वायर x क्या होता है, वन माइनस sec स्क्वायर x होता है माइनस का टेन स्क्वायर x, ठीक है, ये जो सूत्र है वन माइनस sec स्क्वायर x, वन माइनस sec स्क्वायर x होता है माइनस का टेन स्क्वायर x, ठीक है, सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना भाई, सूत्र क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस का टेन स्क्वायर x बराबर एक, ये होता है सूत्र, ठीक है ना, तो अगर अपन sec स्क्वायर x को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sec स्क्वायर x, तो यहां पर 1 माइनस sec स्क्वायर x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, tan x रख सकते हैं, ठीक है, तो उठा के tan x रख दोगे, तो अब यहां पर अपन कह सकते हो कि ये हो गया x प्लस कॉस x, इस जगह रख सकते हो माइनस का tan स्क्वायर x और ये है x माइनस का tan x और ये है 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स आगे ले लो, तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स और ये एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस का टेन एक्स और वन माइनस का साइन एक्स, ये आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया है भाई, 4x plus 5 sin x upon 3x plus 7 cos x, माना y बराबर इतना ले लिया, x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अपन भाग वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है, तो कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा अपन का, हर को बाहर रखो, 3x plus 7 cos x को बाहर रखेंगे और अंश का अपन को अवकलन कर देना है, d upon dx 4x plus 5 sin x, ठीक है, फिर माइनस का अंश को बाहर रखना है 4x plus 5
साइन एक्स और हर का अपन अवकलन कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स, थ्री एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन यहां पर थ्री एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स का होल स्क्वायर ले लेना, हर का वर्क कर देना, ठीक है भाई। तो कितना निकल के आ रहा है ये, थ्री एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स, और यहां पर अपन कर रहे हैं, देखो भाई 4x का करेंगे तो चार बाहर रहेगा, x का कर दोगे तो एक हो जाएगा, तो कितना हो रहा है, चार को बाहर रखा, x करोगे तो एक हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार पांच बाहर रहेगा और साइन x का हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस यहां पर कर रहे हो 4x प्लस 5 साइन x, और यहां पर कितना करोगे, इसी प्रकार 3x का है तो 3 बाहर रखोगे, x करोगे तो एक हो जाएगा, प्लस 7, और cos का करोगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन यहां पर कर रहे हैं अपन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां पर 3x प्लस 7 cos x, और यहां पर कितना करना है, 4 एकम 4 प्लस 5 cos x माइनस 4x प्लस 5 sin x, और यहां पर कर रहे हैं 3 एकम 3 प्लस, और क्योंकि ये माइनस था ध्यान रखो भाई, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 sin x, ठीक है, अपॉन ये 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, अंदर गुणा करा लो, अंदर गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 4 3 12x प्लस 3 5 15x cos x, और 7 4 28 cos x प्लस 7 5 35 cos स्क्वायर x, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 4 3 12x और माइनस माइनस प्लस 7 4 28x और साइन एक्स, ठीक है भाई, माइनस का 3 5 15 साइन एक्स, और कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 7 5 35 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, अपॉन में कितना, ये 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर इतना है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया ना, एक चीज देखो भाई, ये 12x प्लस का और ये माइनस का, तो ये पहली बात तो ये कट गया, ठीक है। दूसरी बात, यहां से अपन कर सकते हैं 28x sin x है, ये आप देख रहे हो, 28x sin x ले लो और 15x cos x ले लो, ठीक है। तो ये अपन ने किया 28x sin x प्लस 15x cos x, ये ले लिया, ठीक है, और माइनस का 15 15 साइन एक्स है और प्लस में 28 कॉस एक्स है, और यहां पर क्या कर सकते हो, 35 कॉस स्क्वायर एक्स और 35 साइन स्क्वायर एक्स, तो 35 यहां से कॉमन निकाल लो, 35 कॉमन निकाल लोगे तो ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इतना बच जाएगा, अपॉन में कितना है ये 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर एक चीज समझो, इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो एक होता है, तो इसको एक ले लो, है ना। तो अपन ने क्या लिख दिया भाई, इसको एक ले लिया तो ये हो जाएगा 35, आगे ले लो अकेला 35 गुणे एक बचेगा और 35 गुणे एक 35 बचा, तो 35 को आगे ले लिया अपन ने, 35 प्लस 35 प्लस अभी यहां पर 15x cos x और प्लस 28 cos x, ठीक है, cos x cos x आगे ले लिया, फिर प्लस में 28x sin x माइनस का 15 साइन एक्स, मतलब जो मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, जो आपका उत्तर आ रहा, ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ रहा, बाकी का उत्तर अरेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर की तरह ही करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थे, बाकी का अगर आंसर की तरह अरेंज करके, इस प्रकार से आपका कुछ अरेंज करके आंसर आ रहा है, इतना क्वेश्चन नंबर आपको 27 दिया इस प्रकार से भाई, कि एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये दिया आपको क्वेश्चन नंबर 27। तो वाई बराबर मान लिया, एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, और आंसर वाला सूत्र लगा देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, कि ये कॉस पाई बाई 4 अचर पद की तरह काम करेगा, कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 का मान 1/√2 रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि को आंसर में आपका cos पाई बाई 4 का cos पाई बाई 4 आ रहा है, इसलिए आप cos पाई बाई 4 ही रखोगे, और उसका वैल्यू रखने के लिए नहीं कह रहा तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, और रख भी देते हो कोई उससे ज्यादा हर्ज पड़ेगा नहीं, कि cos पाई बाई 4 का मान आप एक बार √2 रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, ठीक है। पहली बात तो cos पाई बाई 4 आपका अचर पद है, तो उसको बाहर निकाल लोगे, तो cos पाई बाई 4 को आप बाहर निकाल लोगे, और d अपॉन dx x स्क्वायर अपॉन sin x, इसका भी अपॉन अवकलन करेंगे, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, cos
पाई बाई फोर, अच्छा यहां पर कर रहे हैं तो कितना भाई साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपना पूरा पूरा सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस पाई बाई फोर और यहां पर अपन कर रहे हैं साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का करेंगे तो कितना होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपन को फाइनल तौर पे मिल जाएगा कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर और यहां से हो गया टू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक्स कॉमन देख रहे हो ना, एक्स कॉमन देख रहे हो तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स कॉमन देख रहे हो एक्स को बाहर निकाल लो, एक्स कॉस पाई बाई फोर, एक्स कॉस पाई बाई फोर और टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, आपको दिया है x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, माना y बराबर इतना, x हिसाब से अवकलन करने पर और यहाँ पर अपन भाग विधि लगा देते हैं, भाग वाला सूत्र लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस टेन एक्स और d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस टेन एक्स और x का करेंगे तो कितना निकल के आएगा एक माइनस x, अच्छा यहां पर 1 का करेंगे तो हो जाएगा जीरो, टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x, तो प्लस का ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा तो यहां से आप क्या कर सकते हो भाई 1 प्लस टेन एक्स और इनटू में 1 है तो उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है और यहां पर अपन का हो जाएगा माइनस का एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, आपको दिया है एक्स प्लस सेक एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, मान लिया वाई बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहां पर अपन फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को बाहर रख लो भाई x प्लस sec x और दूसरे वाले का अवकलन कर लो d अपॉन डी एक्स और x माइनस टेन एक्स, फिर प्लस दूसरे वाले को बाहर रख लो x माइनस टेन एक्स को बाहर रखा और पहले वाले का अवकलन कर देंगे d अपॉन डी एक्स x प्लस sec x, ठीक है sec x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है x प्लस sec x और x माइनस टेन एक्स, तो x का करेंगे तो एक और माइनस टेन एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x प्लस x माइनस का टेन एक्स और x प्लस sec x का करेंगे तो कितना x का हो जाएगा 1 प्लस sec x का होता है भाई sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है sec x इंटू टेन एक्स। तो यहां से भाई इतना ही आंसर हो जाएगा और कुछ इसमें करने के लिए है नहीं, रह नहीं गया है ना, यही आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी को आप आंसर बोल दो, इतना ही आंसर आ रहा है और कुछ करने के लिए है नहीं इसमें, तो ये भाई इतना आंसर आपका हो। क्वेश्चन नंबर 30 आपको इस प्रकार से दिया है एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स और वाई बराबर मान लिया एक्स सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और आपको जैसे पता है यहाँ पर अपन भाग विधि आंसर वाला सूत्र लगा दोगे, आंसर वाला सूत्र लगा दो, कैसे लगाओगे कि हर को बाहर रखोगे साइन की पावर एन एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन कर रहे हैं माइनस एक्स को बाहर रखा डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर एन एक्स का अपन हल कर देंगे, तो यहां पर भाई साइन की पावर एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अरे एक चीज समझो, यहां पर डी अपॉन डी एक्स एक्स इसका तो वन हो जाएगा सिंपली, है ना, तो साइन की पावर एन एक्स इंटू वन और माइनस एक्स, अच्छा यहां क्या कर लो डी अपॉन डी एक्स यहां पर लिख सकते हैं साइन की पावर एन एक्स है ना, तो इसको लिख लो साइन एक्स की होल पावर है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, और यहां पर इसको घात दो है तो दो को भी अपन अंदर लिख सकते हैं, तो टू एन साइन की पावर 2n x अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, यहां बन जाएगा साइन की पावर एन एक्स और माइनस x, अब यहां पर आपको घात के रूप में पहले हल करना है ना, घात के रूप में कैसे कि पहले घात आगे आएगी और ये हो जाएगा साइन की पावर x साइन x की पावर n माइनस वन और इन टू, अब साइन x का फिर से कर दोगे, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखो घात में
क्योंकि साइन एक्स एक्स्ट्रा पार्ट है भाई। सूत्र किसके लिए होता है आपको ये याद रखा करो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सूत्र किसके लिए, एक्स के लिए, लेकिन लगा किसके लिए रहे, साइन एक्स के लिए। सूत्र होता है आपका, फॉर्मूला होता है एक्स के लिए, लेकिन लगा दिया आपने साइन एक्स को, तो साइन एक्स एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, तो साइन एक्स का फिर से अपन अवकलन कर देंगे इस स्थिति में, ठीक है ना। तो यहां पर अपॉन अपॉन में कितना है, साइन की पावर टू एन एक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां से निकल के आएगा साइन की पावर एन एक्स माइनस, इसमें अपन कर सकते हैं एन एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर टू एन एक्स। तो फाइनल में ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, इतना आंसर। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप मुझे आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।